देखें तो हमने शुरू किया था विकल्प की पहली लाइन अगर देखें तो बाबा जी ने कहा कि अभी तक जो दो विचारधाराएं मानव के इतिहास में आई उससे मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। विकल्प की पहली लाइन है ना, अभी आपको मैं एक बार फिर से उसको पढ़ के बताता हूँ। विकल्प की पहली लाइन क्या है? विकल्प की पहली लाइन है, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विकल्प के रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया और एवं कराया। तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर ये बात का इस मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में देखा कि मध्यस्थ दर्शन के द्वारा मानव का अध्ययन होता है और मानव व्यवहार दर्शन में मानव का ही अध्ययन है। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी और सुनी? आई थिंक वी हैव ओनली स्क्रैच द सर्फेस। हमने केवल उसके एक सतह को जस्ट एक खरोंचा ही है। इसको हमें और इसका डीप डाइव करना होगा। इंश्योर द इन द प्रोसेस आगे हम जब इसमें चलेंगे हम इसको और गहराई से इसको समझ पाएंगे। जो अनुभूतियां जो एकदम सार गर्भित रूप में लिखी गई हैं वो हमारे शोध में आने के बाद ही वो पूरी तदाकार होंगी। तो अभी हम एक प्रकार से देखें तो हम एक उसके सतह पर हैं। हम लोग अलग अलग हम लोगों के शोध का स्तर है और उसमें हम लोग एक जगह पर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसमें तो हमने कहां से शुरू किया। सबसे पहले यहाँ पे मानव को अस्तित्व की एक इकाई के रूप में मानव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले मानव को अस्तित्व में एक इकाई के स्वरूप में पहचाना। फिर अस्तित्व का मूल स्वरूप का हमने अध्याय एक में अध्ययन किया कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में अस्तित्व का स्वरूप है। इसमें सत्ता की पारगामीयता पारदर्शीता और संपृक्तता की बात हमने की और प्रकृति के रूप गुण स्वभाव धर्म के स्वरूप में प्रकृति है। इस रूप में फंडामेंटल रूप में जो चीजें हैं वो क्या हैं इस बारे में बात हुई। फिर प्रकृति की चार अवस्थाओं के बारे में बात हुई सृष्टि दर्शन में, जिसमें ज्ञानावस्था में मानव के होने की पहचान हुई। फिर उसके बाद मानव का पर्पस क्या है, मानव सहज प्रयोजन की बात हुई। फिर मानव सहज प्रयोजन में पूर्णता का क्या स्वरूप है ना, इसके बारे में बात हुई निर्भ्रमता ही विश्राम अध्याय में। फिर मानव के अध्ययन के लिए उसमें जागृति और जागृति पूर्णता को रेफरेंस या ध्रुव बनाया गया है ना, जो हम बात कर रहे थे कि जागृति का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो इसलिए मानव के अध्ययन के लिए जागृति और जागृति की पूर्णता यानी उसके प्रमाणित करने के स्वरूप को हमने रेफरेंस बनाया। फिर उसके बाद मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में समझाया है ना। फिर जीवन की क्रियाओं को स्पष्ट हम लोग हुए। फिर भ्रम जो है और जागृति इनके हमने विश्लेषण किया। भ्रम जो है वो जीव चेतना है और जागृति जो है वो मानव चेतना दिव्य चेतना और दिव्य चेतना के रूप में विकसित चेतना है। फिर उसके बाद में मानव व्यवहार करता है, मानव के व्यवहार के स्वरूप को समझाया जिसमें हमने मानवीय व्यवहार संबंध कर्तव्य दायित्व संपर्क क्षमता योग्यता पात्रता इन चीजों का अध्ययन किया। क्लेश क्या है, क्लेश मुक्ति क्या है, ये हमने अध्ययन किया। हमको योग की नई परिभाषा यहाँ पर मिली है ना, जहां पर पहले कह रहे थे कि चित्त वृत्ति के निरोध से योग होता है या चित्त वृत्ति का विरोध निरोध हो जाना योग है, यहाँ पे कहा मिलन को योग संज्ञा है ना। तो इस प्रकार से सह अस्तित्व से विधि से योग की एक नई परिभाषा हमको मिली। फिर उसके बाद हमने मानव लक्ष्य और जीवन मूल्यों की पहचान हुई। मानव का लक्ष्य जो है वो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व और जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद है, इसकी पहचान हमने की। न्याय और अवसरवादिता के भेद को हमने समझा है ना। पोषण और शोषण वाले अध्याय में हर संबंध में आवश्यकता के स्वरूप को समझा है ना, और वो आवश्यकता अगर पूरी होती है पूरी करते हैं तो हम पोषण कर रहे हैं अन्यथा शोषण कर रहे हैं, ये हमने समझा। हमने धर्म नीति और राजनीति का मतलब यहाँ पर समझा कि ये जो धर्म और राज्य है ये सेपरेट इंस्टीट्यूशंस ना होने
के होने के स्थान पर अगर स्वराज्य होता है तो इनको परिवार में इंटीग्रेट कर किया जा सकता है, है ना। तो धर्म और राज्य को परिवार में समाहित करना बजाय कि इनको एक आउटसाइड इंस्टीट्यूशन के रूप में देखना, ये यहाँ पर हम उस बारे में स्पष्ट हुए। फिर उसके बाद में हम रहस्य मुक्ति वाले अध्याय में रहस्य अपने आप में एक भ्रम है और रहस्य की निरर्थकता को हमने समझा। तो देखिए इसमें हम इस पूरी प्रक्रिया में कितने सारे लोगों का योगदान है ये भी हम थोड़ा सा देखें। तो हम लोग ने जब ये शुरू की तो इस वाले बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हैं बहुत। तो इस पूरे मैं बुक के ऊपर फोकस करता हूँ। तो ये जो है अपने पास में 2011 का संस्करण है। इसका प्रश्न पहला प्रश्न मैं देख रहे हैं हम लोग। तो ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद मानव व्यवहार दर्शन मध्यस्थ दर्शन भाग एक। मानव व्यवहार दर्शन बाबा जी के द्वारा किया गया पहला और सबसे सेंट्रल पीस है इस पूरी प्रस्तुति का। तो इसलिए इसमें अधिकांश कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने दिए हैं वो इस वाली पुस्तक के अंदर आगे लिखा है। मान्यता, मान्यता का मतलब है कि पहला क्या बेसिक बिलीफ है जिसके ऊपर जिस बेसिक अजम्पशन या आधार है जिसको लेकर उन्होंने इस बात को रखा है वो है ज्ञान की व्यापकता एवं प्रकृति का अनादित्व, है ना। इस आधार पर उन्होंने पूरे बात को। दूसरा है सिद्धांत श्रम गति और परिणाम। सिद्धांत मतलब जिससे अंत में कुछ सिद्ध होता हो। तो अंत में क्या सिद्ध होना है? अंत में मानव का जागृति पूर्वक जीना सिद्ध होना है और जो इससे पहले की जो सारी स्थितियां हैं, है ना, परमाणु अंश से लेकर पेड़ पौधे जीव जानवर और मानव के प्रकटन तक, ये सब ये किसी चीज को सिद्ध करने के लिए मानव के समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व पूर्वक जीने को सिद्ध करने के लिए ये सिद्धांत है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अभी हम इस वाले में अभी विकल्प वाले को अभी छोड़ दे रहे हैं। हम सीधे आज हम मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में जो है, मूल तत्व का मतलब है कि इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। मतलब ये पूरा मध्यस्थ दर्शन जो रखा गया है उसको प्रस्तुत करने के लिए ये पूरा लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट बनाया है, कॉन्सेप्ट्स जो बाबा जी ने बनाए हैं, तो उसका पूरा एक तरीके से सार आ जाता है जिन भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के मूल में। तो इसलिए ये काफी कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको हम लोग अब शुरू करेंगे। तो पहला है उद्घोष। उद्घोष है जीने दो और जियो। आपने महावीर स्वामी के उसके बारे में सुना ही होगा, उद्घोष जियो और जीने दो। यहाँ पे उसको रिवर्स किया गया है, है ना। तो इसमें क्या है, जीने दो को प्राथमिकता देते हुए पहले जीने दो और जियो। तो मानव के जीने के लिए उसको जीने देना आवश्यक है, इसलिए उसको आगे रखा गया है ना। तो एक परंपरा में एक मत्स्य न्याय और एक मानव का न्याय, ये दोनों अलग हो, यानी मछली जो है वो दूसरों को खाती है फिर उसके बाद जो बचता है उसको रहने देती है। यहाँ पे मानव के लिए जीने की विधि में मानव को पहले जीने देना है तभी वो स्वयं उसका जीना सुरक्षित होगा। तो ये इस वाला ये वाले पॉइंट का है। दूसरा है मंगल कामना। मंगल कामना, भूमि स्वर्गताम यातु मानवो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो। तो ये एक कामना है जिसके आधार पर बाबा जी ने इस बात को रखा। तो मानव देवता हो, इससे क्या आशय है?
तो देवता से वो दया कृपा करुणा इन इन इस ये उनका स्वभाव हो जाए, है ना। भूमि स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग का जो कल्पना है, जो कि यहाँ पे जो स्वर्ग का स्वरूप बाबा जी ने प्रस्तुत किया कि चारों अवस्थाओं में एक सामरस्यता का स्वरूप हो, जिससे और मानव का उसमें तो वो एक भूमि के स्वर्ग होने का स्वरूप है। धर्म का सफल होना यानी मानव का सुख धर्म है वो सफल हो, और नित्यम यातु शुभोदयम यानी हमेशा शुभ का ही उदय होता रहे। तीसरा पॉइंट है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान का मतलब सार रूप में अनुभव में क्या स्पष्ट हुआ। हमने इस बात को पढ़ा ही होगा कि या सुना ही होगा कि बाबा जी को सहस्तित्व में अनुभव हुआ, समाधि के उपरांत उन्होंने जो संयम किया उससे उनको प्रकृति में अध्ययन हुआ, जिसके फलस्वरूप अनुभव हुआ। और तो अनुभव में क्या ज्ञान स्पष्ट हुआ, ये इसको सार रूप में लिखा गया है। सत्ता में संप्रयुक्त जड़ चैतन्य इकाइयां अनंत, ठीक है। तो इसमें बेसिकली संप्रयुक्तता अनुभव में आई है, और संप्रयुक्तता में प्रकृति और व्यापक इन दोनों के सहस्तित्व में अनुभव में आया है, है ना। तो इस प्रकार से अनंत इकाइयां व्यापक सत्ता में संप्रयुक्त हैं, ये उनके अनुभव में आया है। तो अनुभव में आने में केवल व्यापक वस्तु ही नहीं है, व्यापक वस्तु में पदार्थ या प्रकृति और प्रकृति संप्रयुक्त है, ये अनुभव में आया है। तो सह अस्तित्व अनुभव की वस्तु है, इस बात को यहाँ कहा गया है। व्यापक पारगामी व पारदर्शी सत्ता में संप्रयुक्त सभी इकाइयां रूप गुण स्वभाव व धर्म संपन्न त्व सहित व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से है ये पदार्थ, और किस प्रकार से देखा, ये व्यवस्था के रूप में है। संपूर्ण जो अस्तित्व है वो व्यवस्था के रूप में देखा, अपने आप में भी व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भी भागीदारी करता हुआ। ये उसका विपरीत है जो भौतिकवादी विधि में पहचाना गया कि वस्तुएं अपने में भी संघर्ष कर रही हैं और आपस में भी संघर्ष कर रही हैं। यहाँ पे संघर्ष के स्थान पर मौलिक रूप में व्यवस्था का स्वरूप है, और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में अस्तित्व है, ये प्रतिपादन है, ये अनुभव में आया है। चौथा सिद्धांत। सिद्धांत जैसा हमने अभी कुछ समय पहले बात की थी, इसमें अंत में क्या सिद्ध होता है, तो अंत में जो ये जो अस्तित्व है उसकी दिशा क्या है, या ये धरती पर जो प्रकटन हो रहा है एक के बाद एक पदार्थावस्था प्राणावस्था आदि, तो उसकी दिशा क्या है, इस बात को यहाँ पे रखा गया है। तो ये इसमें हमने कहा था इसकी दिशा है अंत में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप, इसकी दिशा है। और श्रम गति परिणाम में हर क्रिया रत है, है ना। तो यानी कि हर क्रिया में कोई एक प्रयोजन है, कोई उसकी स्वयं में गति है और कुछ भागीदारी है और उसका कुछ गठन है, इस स्वरूप में सारी क्रिया है। तो ये सिद्धांत के रूप में बताया गया है, इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। तो कुल मूल बात इसमें श्रम गति परिणाम में यह है कि हर एक वस्तु प्रयोजन के साथ में है, हर एक वस्तु किसी आचरण के साथ में है, और हर एक वस्तु किसी गठन के साथ में है। वस्तु से आशय यहाँ पे प्रकृति की वस्तुओं से है। पांचवा पॉइंट उपदेश। उपदेश का जो परिभाषा बाबा जी ने दिया वो है उपाय सहित आदेश, है ना। तो आदेश मतलब ऐसा लगता है अथॉरिटी या किसी किसी की क्या कहें कंट्रोल करने के रूप में है, लेकिन यहाँ पे वैसा आशय नहीं है। यहाँ पे अधिकार जो है जागृति के अधिकार के साथ में एक उपाय बताते हुए आदेश दिया गया है कि हम मानव के लिए क्या उपाय है, यहाँ जिस स्थिति में वो आज अपने आप को समस्याग्रस्त पाता है
उसमें उसके लिए क्या उपाय है। तो मानव जो है वो जानने मानने पहचानने और निर्वाह करने के स्वरूप में है और उसमें कुछ जानने और मानने की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में उसके जानने और मानने में तालमेल बैठ जाए, बैठा लिया जाए, ये उपदेश है। तो उपदेश इस प्रकार से दिया गया, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। तो एक बार मैंने बाबा जी से इस बारे में पूछा कि अब अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो हम जानते तो नहीं हैं चीजों को, हम कुछ मानते ही हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि हम किसके जाने हुए को मान लें, है ना, क्योंकि हम तो अपना जानते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मान लो, फिर जो माना है उसको तुम स्वयं जान लो। तो इस तरीके से तुम्हारे जानने और मानने में तारतम्यता हो जाएगी। अन्यथा इस प्रकार से हो रहा था कि ये कैच 22 या एक साइक्लिक स्वरूप में हो जा रहा था कि हम कब किसके जानने को मान लें और किसके माने हुए, किस माने हुए को जान लें। तो जानना और मानना, इन दोनों के अंदर तालमेल होना आवश्यक है और ये जानने और मानने का तृप्ति बिंदु जो है उसी को अनुभव कहा है। तो हमारी जो भी मान्यताएं हैं, जो कि भाषा के रूप में है, कंस्ट्रक्ट्स के रूप में है, उसका और जो ज्ञान की वस्तु है, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठ जाना, ये उद्देश्य है दर्शन के अध्ययन का। छठा, स्थिति। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो कुछ भी है उसके होने की क्या स्थिति है, है ना। तो यहाँ पे बात की है कि स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति। तो सत्ता जो है वो स्थिति पूर्ण है, ये अपने आप में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा उस जो उसकी एक पूर्ण स्थिति है, ना तो वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए पूर्ण है। इस ये ज्ञान की ये इसमें संपृक्त जो है स्थितिशील प्रकृति है, यानी इसमें प्रकृति जो है वो अनेक स्थितियों के अंदर पाई जा रही है, है ना, और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में करती हुई पाई जाती है, ठीक है। और प्रकृति में स्थितियों के क्रम में भी, स्थितियों का भी क्रम है। तो अनेक प्रकृति अनेक यथा स्थितियों में है और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन कर रही है, ठीक है। फिर अगला है सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। ये जो सह अस्तित्व के स्वरूप में अस्तित्व है, ये हमेशा वर्तता ही रहता है, ये हमेशा स्थिति और गति के रूप में वर्तता ही रहता है। ये स्थिति के रूप में अस्तित्व हमेशा बना हुआ है। जो कुछ भी इसके बारे में एक जगह पे बाबा जी ने इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ है वही होता है, जो नहीं है वो कभी था भी नहीं। तो इस प्रकार से होने के रूप में जो स्थिति है अस्तित्व में, वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही है और उसी के ही अलग अलग विन्यास हमको देखने में नजर आते हैं। सातवां, प्रमाण। प्रमाण जो है वो काफी सेंट्रल चीज है। इसका मतलब है कि किस चीज को हम सही माने, है ना, या क्या आधार क्या है। तो इसमें मानव को प्रमाण का के रूप में स्वीकारा गया है, ना कि यंत्र को या फिर किसी किताब को। तो मानव जो है, जीता हुआ जो मानव है, वही प्रमाण होगा, ये इस आधार पे पूरी बात को रखा गया। तो आदर्शवाद में किताब को प्रमाण माना गया कि जो कुछ शास्त्र में लिखा है वो अंतिम बात है, है ना। और भौतिकवाद में इस प्रकार से लिखा कि यंत्र जो बताएगा वो फाइनली उसको हम सही मानेंगे, आदमी जो कह रहा है उसको हम सही नहीं मानेंगे। इस तरीके से आदमी को एक इकाई के रूप में माना ही नहीं गया, या आदमी का एक प्रकार से अध्ययन ही नहीं हुआ। मानव व्यवहार दर्शन में मूलतः मानव का अध्ययन ही है। इसमें जो प्रमाण को माना कि जब ये मानव को प्रमाण मानेंगे, तो इसको मानव को के प्रमाण को देखने के तीन स्तर हैं। पहला अनुभव, दूसरा व्यवहार और तीसरा प्रयोग। तो अनुभव अपने आप में एक प्रमाण है, फिर उसके बाद व्यवहार एक प्रमाण है, व्यवहार मतलब मानव परस्परता में प्रमाण है, और प्रयोग यानी उत्पादन के रूप में एक भी आदमी जो है मनुष्यत्र प्रकृति के साथ में जो उत्पादन व्यवसाय करता है उसमें भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इन तीन स्थानों के ऊपर
प्रमाण को मानव प्रस्तुत करता है। आगे लिखा है, अनुभव ही प्रमाण परम, प्रमाण ही समझ ज्ञान, समझ ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही समाधान कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार ही प्रमाण, प्रमाण ही जागृत परंपरा, जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व। इसको बाबा जी कभी कभी ऐसा बोलते थे, राउंड द विकेट हो गया, मतलब जिस जहां से शुरू किया वहां से हुआ, वहीं पर ही पहुंचा। तो सूत्रों का स्वरूप आप देखेंगे अधिकांश रूप से इस प्रकार से ही दिखाई देता है कि जहां से जिस पॉइंट से शुरू किया है वहां से वहीं पर एंड होता है। उसका एक मतलब जो ऐसा समझ सकते हैं कि अनुभव जो उसका आशय ये समझ सकते हैं कि एक आवर्तनशीलता का स्वरूप है ना। तो जिस प्रकार से जिस पॉइंट से शुरू किया है वहां पर ही वापस लाते हैं, तो उसकी परंपरा का स्वरूप हमको समझ में आता है ना। तो कोई भी चीज अगर लीनियर होती है या सरल रेखा में होती है तो उसका ऐसा है कि वो उसकी परंपरा नहीं होगी, जबकि परंपरा का जब भी स्वरूप होगा तो उसमें हमेशा एक साइक्लिकल या फिर एक आवर्तनशील उसका चक्राकार स्वरूप उसका होना होगा। तो अनुभव ही प्रमाण परम, अनुभव को परम प्रमाण माना है। प्रमाण ही समझ ज्ञान प्रत्यक्ष, मतलब जो समझ है वो ऐसा नहीं है कि आपको समझ भी हो और वो प्रत्यक्ष भी ना हो, अगर समझ है तो वो आचरण में आएगी ही। फिर जो प्रत्यक्ष है वो किस स्वरूप में होगा, वो समाधान और कार्य व्यवहार के स्वरूप में होगा। फिर उसके बाद कार्य व्यवहार को भी प्रमाण कहा है, तो हमें समाधान समझ को कोई गुम वस्तु नहीं है, कार्य व्यवहार को भी प्रमाण कहा है। और प्रमाण विधि से ही जागृत परंपरा है, यानी शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में ही जागृति है, और जागृति की प्रमाण के रूप में ही परंपरा है, जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व। मेरे को उसको उठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं इसको जरा सेट कर देता हूँ। यथार्थ आठवां बिंदु, यथार्थ ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। तो ये जो परंपरा में या एक परंपरा के किसी अंग में ये कहा गया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसके स्थान पर बाबा जी ने यहाँ प्रतिपादित किया ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, यानी ब्रह्म यानी व्यापक वस्तु जो है वो सत्य है, साथ में जो प्रकृति है ये जगत है वो अविनाशी है, वो शाश्वत रूप में बना हुआ है। अगला है ब्रह्म सत्ता व्यापक जीवन पुंज अनेक। तो जीवन को चैतन्य इकाई के रूप में पहचाना गया, जीवन पुंज मतलब मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक्त स्वरूप। तो व्यापक वस्तु के रूप में ब्रह्म को पहचाना और चेतना को व्यक्त करने वाले जीवन अनेक हैं, इस रूप में पहचाना। जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव। ईश्वर व्यापक देवता अनेक, मानव जाति एक। यहाँ पे देवता से आशय हमने पहले भी बात किया था कि ईश्वर जो है वो व्यापक सत्ता है और देवता से आशय है मानव ही देवता होगा। तो मानव ही जब जागृत होता है तब दया कृपा करुणा के स्वरूप में जब व्यवहार करता है तो उसको देवता कहा है या देव मानव कहा है। तो अनेक देवता और ईश्वर व्यापक स्वरूप में, तो ईश्वर से आशय जो है ब्रह्म या व्यापक वस्तु है। मानव जाति एक कर्म अनेक, है ना। तो मानव जाति संपूर्ण मानव जाति जो है वो एक है, जाति जो है उसका शरीर से मतलब है। तो संपूर्ण मानव जाति एक है और उनके कर्म अनेक हैं। भूमि एक, भूमि एक अखंड राष्ट्र के रूप में है और राज्य अनेक, मतलब उसमें अलग अलग राज्य हो सकते हैं। तो ये पूरी धरती को एक अखंड राष्ट्र के रूप में पहचाना और इसमें अनेक राज्य हो सकते हैं। मानव धर्म एक समाधान अनेक,
तो सभी मानवों का धर्म जो है वो सुखी है, और समाधान अनेक से क्या है, हर परिस्थिति में एक समाधान होगा, तो इस तरीके से समाधान अनेक, तो हर परिस्थिति के लिए समाधान प्रस्तुत करना होगा, और समाधान जो है वो देश काल के साथ में जुड़ता है, तो उस प्रकार से अनेक समाधान होंगे। जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना, तो जीवन जो है वो अपरिणामी वस्तु के रूप में या फिर जिसमें परिवर्तन नहीं होता या मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता उस रूप में वो नित्य है। जन्म मृत्यु जो है वो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, जब शरीर और जीवन का वियोग होता है तब उसको मृत्यु के रूप में पहचाना, और शरीर और जीवन का जब योग होता है तब उसको जन्म के रूप में पहचाना। तो ये इस प्रकार से ये यथार्थ, यथार्थ मतलब जैसा जिसका अर्थ है ना, तो इस रूप में ये आठवां बिंदु हम देख सकते हैं। नाइन्थ, वास्तविकता, सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां, समझदार मानव परंपरा। तो ये वास्तविकता मतलब ये क्या 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 वस्तुएं हैं और उनका क्या स्वरूप है, तो ये इस रूप में बताया गया कि जब बाबा जी ने पहली बार अपने अनुभव को व्यक्त करना तो इन पांच सूत्रों के रूप में ही पूरी बात को रखा था। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में विकास क्रम मतलब जड़ प्रकृति के विकास क्रम में पहचाना, फिर उसके बाद में विकास यानी कि गठनपूर्ण परमाणु के रूप में जीवन या चैतन्य इकाई को पहचाना, फिर सह अस्तित्व में जागृति क्रम जो है वो भ्रम को की स्थिति में जिसमें जीव परंपराएं भी हैं और भ्रमित मानव भी हैं, तो जागृति क्रम और जागृति जो है वो भ्रम और जागृति के भेद को स्पष्ट करता है, और विकास क्रम और विकास जड़ और चैतन्य के भेद को स्पष्ट करता है। तो ये दो जो दो भेद हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनको यहाँ पर इस दर्शन में स्पष्ट किया गया है, पहला जड़ और चैतन्य का भेद और दूसरा भ्रम और जागृति का भेद। और फिर उसके बाद में है जागृति पूर्वक, जागृति होने के बाद क्या करेंगे, तो वह है जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां, समझदार मानव परंपरा। तो ये वास्तविकता का स्वरूप है। दसवां पॉइंट, ज्ञान। ज्ञान किसे कहा है, ज्ञान कहा है सह अस्तित्व में जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो ये तीन ज्ञान के रूप में सारी बात को रखा गया, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, और अनुभव ही ज्ञान है ना, तो ये सब ज्ञान का जो सार रूप है यही अनुभव में भी आता है, तो इस प्रकार से इस बात को रखा गया। ग्यारहवां बिंदु है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है जो परंपरा में पहले उपलब्ध नहीं था और लेकिन उसकी आवश्यकता रही उसके लिए अनुसंधान होता है। तो परंपरा में जो ज्ञान उपलब्ध नहीं था पर उसकी आवश्यकता बनी रही उसके लिए, फिर परंपरा से आगे बढ़ने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको अनुसंधान कहते हैं। तो बाबा जी ने भी ये जो मध्यस्थ दर्शन का जो उपलब्धि है ये एक अनुसंधान पूर्वक की गई उपलब्धि है, जिसमें वैदिक परंपरा में जिसमें उनका जन्म हुआ था वहां से साधना विधियों को स्वीकारा गया और वहां से समाधि तक उन्होंने उसी के अनुसार अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने समाधि तक उसी प्रकार साधना की, साधना पूर्वक वो समाधि की स्थिति में पहुंचे और उसके वहां पर उसके उनके जो प्रश्न थे वेद विचार पर कि ब्रह्म से मिथ्या कैसे पैदा हो गया, उसके उत्तर ना मिलने के बाद में उन्होंने संयम का अपना एक डिजाइन बनाया जिससे प्रकृति में उनका अध्ययन हुआ, जिससे वो जिसका जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने दर्शन को फिर प्रस्तुत किया। मुझे याद है हम 2007 में मैं और मेरी पत्नी हम लोग और लोगों के साथ में गए थे, तब प्रियंका ने ही ये सजेस्ट किया था कि किस बाबा जी से ये पूछना चाहिए कि उन्होंने ये गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता को
कैसे देख लिया। तो फिर उन्होंने जो पूरे अपने किस प्रकार से साधना किया था और इसको किस प्रकार से संयम काल में अध्ययन किया, इसको एक क्रम से प्रस्तुत किया था। इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों में से कुछ कई लोगों ने सुना होगा। मैं इसके बाद में, सेशन के बाद में आपको उसको शेयर भी करूंगा। तो अनुसंधान में सार रूप में देखें तो तीन बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। इसका परंपरा में जिक्र नहीं है, है ना। तो तीन पूर्णताओं को पहचाना कि प्रकृति इन तीन पूर्णताओं को प्राप्त करती है। पहली पूर्णता है गठन पूर्णता, जिसमें जड़ से चैतन्य में संक्रमण है। दूसरी पूर्णता जो है वो है भ्रम से जागृति में संक्रमण, यानी जीवन का भ्रम से जागृति में संक्रमण। और तीसरी जो है वो है आचरण पूर्णता, जिसमें है जागृति का पूर्ण, जागृति के पूर्ण प्रमाण के रूप में संक्रमण। तो ये इस रूप में तीन संक्रमणों को पहचाना गया, तीन पूर्णताओं को पहचाना गया। ये एक नई बात है। तो अगर देखें तो पूरे दर्शन का जो क्रक्स पॉइंट है वो इन पूर्णताओं को पहचानना है, फिर आगे उसके ऊपर पूरा भाषा का कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट का कंस्ट्रक्ट उसके ऊपर बनाया गया है। अगला है आधार। ये जो पूरी प्रस्तुति है उसका आधार क्या है? सत्ता में संपृक्त प्रकृति, है ना। तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है वो इस, अगर देखें तो ये इसको स्थिति सत्य के रूप में भी कहा गया है। ये सारा को जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकृति में है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, उसका मूल स्वरूप या उसकी मूल स्थिति क्या है? तो वो कहा सत्ता में संपृक्त प्रकृति या सहअस्तित्व स्वरूप में सबकी स्थिति है। ये इसलिए यही आधार है, इस बात को रखा गया। अब इस आधार के ऊपर प्रतिपादन क्या किए गए, पोस्टुलेशंस क्या हैं, उसके रूप में बात देखें तो ये पांच प्रतिपादनों को रखा गया कि भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है, परमाणु ही विकसित रूप में चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण, सतर्कता पूर्ण मानवीयता, देव मानवीयता एवं सामाजिकता, सजगता पूर्ण दिव्य मानवीयता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता। तो इसमें इस प्रकार से इन प्रतिपादनों को प्रस्तुत किया गया। पहली बात तो विकास क्रम में भौतिक रासायनिक प्रकृति या जड़ प्रकृति विकास क्रम में है, और परमाणु विकसित रूप में गठन पूर्णता के रूप में चैतन्य इकाई है। फिर चैतन्य इकाई या जीवन ही जागृत होकर मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता का प्रमाण प्रस्तुत करता है, है ना। तो खाली जीवन हो जाने काफी नहीं है, मानव परंपरा में जागृत होकर ये अखंड सामाजिकता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद में है सतर्कता पूर्ण मानवीयता, देव मानवीयता और सामाजिकता, है ना। तो इसके साथ में ये फिर परंपरा का जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा है, सजगता पूर्ण दिव्य मानवीयता, और फिर लास्ट में ये जो तीन अनुसंधान के रूप में उपलब्धियां हैं, सत्यता, सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि, प्रकृति ही नियति, नियति ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, विकास एवं जागृति ही सृष्टि है, नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अनुभूति ही आनंद, आनंद ही जीवन, जीवन में नियम है, भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है, जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। तो ये इस प्रकार से इन ये कुछ बिंदुओं को लिखा है। इसमें कई नए शब्दों को इंट्रोड्यूस किया गया है, आगे हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें बेसिकली शब्दों को तो परंपरा में जो भाषा में जो शब्द हैं उनको वहीं से उठाया गया है। तो बावल जी ने जो हिंदी में अपनी बात को रखा है, लेकिन संस्कृत से जो तत्सम शब्द हैं, यानी जो शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं, उनको
अपने तरीके से उनको जो अनुभव हुआ उस ज्ञान के आधार पर उसको परिभाषित कर दिया है। तो शब्द परंपरा के हैं, परिभाषाएं नई हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को बनाया है। तो पहला है सत्ता में संप्रत प्रकृति सृष्टि, यानी जो कुछ भी दिखाई देता है वो सृष्टि है। प्रकृति ही नियति, यानी जो कुछ प्रकृति में है वही नियति के रूप में है, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं होता है ना। नियति का मतलब जो कुछ भी नियम पूर्वक स्थिति गति है वही नियति है। जो नियति ही व्यवस्था, यानी जो कुछ भी प्रकृति में है वही एक व्यवस्था के स्वरूप में है। व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, यानी जो कुछ व्यवस्था है ये जो कुछ भी नियति के रूप में प्रकृति में जो उपलब्ध है वो एक प्रयोजन के अर्थ में क्रियाशीलता है। विकास एवं जागृति ही सृष्टि है। नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य। इस सूत्र से जो मुझे आशय स्पष्ट होता है कि जो सहस्तित्व सहज नियम है वही मानव में न्याय के रूप में प्रकाशित होता है। तो मूल में जो सहस्तित्व है वही उसी की सभी अभिव्यक्तियां हैं, उससे ये आशय है। इसका शाब्दिक अर्थ से हम पर ना जाएं, उससे आशय इसका उसका दिया जाए कि सहस्तित्व मूल है, सहस्तित्व की अनेक स्तर के ऊपर अभिव्यक्तियां हैं, इस रूप में इसको समझा जाए। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है ना। तो ये इसमें ये परंपरा में जो कहा गया है उससे थोड़ी सी भिन्न बात है। एक मिनट। कि मतलब ये एक संभावना है कि मानव जो है कर्म करते समय और फल भोगते समय में भी स्वतंत्र हो जाए। तो भ्रमित रहते समय हमको अपने कर्म के फल का ज्ञान नहीं रहता है, ना कर्म का पता होता है, ना उसके फल का पता होता है, ना समस्या के स्वरूप का पता होता है, ना समाधान के स्वरूप का पता होता है। तो इसलिए हम कर्म तो कर लेते हैं और लेकिन उसके फल भोगते समय हम परतंत्र होते हैं, क्योंकि फल जो है वो नियति विधि से ही होता है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें इसको पहचान सकते हैं। जागृत मानव कर्म करते समय और फल भोगते समय स्वतंत्र है। तो जागृत मानव जो है वो उसको कर्म और उसके फल परिणाम का ज्ञान रहता है, इस आधार पर वो कर्म करते समय में भी स्वतंत्र रहता है और फल भोगते समय में भी स्वतंत्र होता है। मानव शरण मतलब मानव की शरण क्या है, मानव का रिफ्यूज क्या है, मानव किस आश्रय में जीता है। तो ये है कि मानव जो जन्म लेता है वो और जीता है और मरता है, उसके मानव परंपरा का शरण है अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था, सहस्तित्व सहज प्रमाण परंपरा। मानव जो है उसकी उसकी निरंतरता के रूप में उसकी शरण जो है वो अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण परंपरा है। 16 मानवीय व्यवस्था मानवीयता मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी। व्यक्ति में पूर्णता एक मिनट। क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो व्यक्ति मतलब मानव में पूर्णता का क्या स्वरूप है, तो इसका उत्तर है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो गठन पूर्णता तो प्राकृतिक विधि से सिद्ध हो गया है और मानव में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की संभावना है। तो इस प्रकार से मानव का लक्ष्य जो है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को पाना है और उसके लिए उसके पास में जो साधन है वो उसका उसी में पाई जाने वाली कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, जिसके द्वारा वो उस पूर्णता को अध्ययन पूर्वक पा सकता है। समाज में पूर्णता सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व सहज प्रमाण परंपरा। राष्ट्र में पूर्णता निपुणता कुशलता और पांडित्य। तो मतलब किसी राष्ट्र की क्या स्थिति है वो उसके इन
ज्ञान के स्तर से पता लगेगा कि उसका किन किन उसके पांडित्य की क्या स्थिति है, उसके व्यवहार में कुशलता की क्या स्थिति है और उसकी कारीगरी या निपुणता की क्या स्थिति है। अंतरराष्ट्र में पूर्णता यानी पूरे विश्व अखंड राष्ट्र में क्या पूर्णता का क्या स्वरूप है। जब मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था में एकात्मता हो जाए या सार्वभौमता या यूनिवर्सलनेस हो जाए तभी हम कहेंगे ये अंतरराष्ट्र में पूर्णता हुई, यानी कि एक धरती के स्तर पर पूर्णता का क्या स्वरूप है इसका विजन इसमें रखा गया। तो संस्कृति सब विधि का मतलब है कानून, है ना। संस्कृति जो है वो रह ये इनके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे, है ना। तो सभ्यता जो है वो सभा शब्द जो है किस प्रकार से मानव निर्णय लेते हैं उसको सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता का जो विस्तार है वो उस प्रकार से आएगा कि निर्णय जो है मानव अपने जीने के लिए किस प्रकार से निर्णय लेता है वो सभ्यता में आता है। संस्कृति से आशय है जो जीने का स्वरूप है, जहाँ पे मूल्यों की बात है, जहाँ पे त्योहारों की बात है, जहाँ पे जीने का जो स्वरूप है, उत्सवों की जो बात है, ये संस्कृति में आता है। विधि जो है वो कानून की बात है कि ये जो लिखित या अलिखित रूप में किस चीज को हम स्वीकारे हैं, सही और गलत का भेद क्या है वो विधि कह रहे हैं। और व्यवस्था से जो आशय है वो है जो जीने में जो पांच आयामों में व्यवस्था को देखा जा सकता है ना, शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, है ना, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, है ना। तो इस प्रकार से एक क्या रह गया, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष। इन पांच आयामों में व्यवस्था के पांच आयाम पहचाने गए। मानव धर्म, सुख शांति संतोष एवं आनंद। तो मानव धर्म को ये चार स्वरूप में पहचाना गया है। ये सुख शांति संतोष और आनंद ये सुख के ही एक प्रकार से डिग्रीज हैं, क्योंकि सुख को ये जो है सुख स्वयं में होता है लेकिन इसका प्रमाण जो है वो समाधान स्वरूप में होता है। वही सुख जो है जब वो परिवार के स्तर पे प्रमाणित होता है तब उसका नाम शांति दिया गया है और उसका स्वरूप होता है समाधान समृद्धि। और वही सुख जब समाज के स्तर पे प्रमाणित होता है तब उसका नाम तब उसमें समाधान समृद्धि के साथ विश्वास या अभय भी होता है, तब उसको संतोष का नाम दिया गया। और यही सुख जब संपूर्ण व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है तब हम उसको उसका नाम दिया गया है आनंद। धर्म नीति का आधार, तन मन तथा धन रूपी अर्थ के सदुपयोग हेतु व्यवस्था। राज्य नीति का आधार, तन मन तथा धन रूपी अर्थ की सुरक्षा हेतु व्यवस्था। तो ये धर्म और राज्य जो हैं, ये इस प्रकार से धर्म नीति और राजनीति ये दोनों को पहचाना गया। धर्म जो है वो समाज से संबंधित है, राज्य जो है वो व्यवस्था से संबंधित है। तो नीति या पॉलिसी जो है किस प्रकार से इसमें समाज में किस प्रकार से निर्णय क्या क्या किया जाएगा समाज के स्तर पर और क्या किया जाएगा राज्य के स्तर पर, तो इसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो जो कुछ भी तन मन और धन है मानव के पास में, यही अगर देखें तो शरीर है, मानसिकता है और भौतिक रूप में कुछ उपलब्धियां हैं। तो ये तन मन धन के रूप में जो मानव के साथ में है, इस अर्थ के सदुपयोग हेतु व्यवस्था जो है वो समाज के स्तर पे होगी, उसको धर्म नीति कहा। और जब इसका राज्य के स्तर पे होगा तब उसको राज्य नीति, या व्यवस्था के स्तर पे होगा तब उसको राज्य नीति कहा। 24th पॉइंट, अनुगमन और चिंतन। अनुगमन से आशय अनुभव की ओर गमन। तो इसमें है कि हम किस स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण। तो स्थूल तो हो गया शरीर, सूक्ष्म जो है वो आशा विचार इच्छा को सूक्ष्म कहा गया है, है ना। तो हम जो है अपने ही चेतना जो है पहले स्थूल से
सूक्ष्म की ओर हुआ है, अपने ही विचार के प्रति जागृत हुए। फिर उसके बाद में सूक्ष्म से कारण, यानी कि ये अब उसके बाद साक्षात्कार बोध के रूप में हम जागृत हुए, यानी कि हमें वास्तविकताएं पहचान में आने लगी, उसको हम कहेंगे सूक्ष्म से कारण। तो अध्ययन जो है वो सूक्ष्म से कारण के रूप में जो गति है उस गति को हम अध्ययन क्रिया कह रहे हैं। फिर कारण से महाकारण, यानी कि जब कारण क्रिया, जब हमें कारण के रूप में अस्तित्व सहज व्यवस्था का बोध हो जाता है, तो फिर महाकारण यानी कि व्यापक सत्ता में संप्रतिता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये क्रम है मानव के सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण की ओर गमन का। जागृति का प्रमाण, अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता। तो जागृति का जो प्रमाण होगा वो इसी क्रम में प्रस्तुत होगा, मानवीयता, फिर देव मानवीयता, फिर दिव्य मानवीयता। तो मानव जो है वो जागृत होकर सबसे पहले अपने परिवार में व्यवस्था के स्वरूप में जीना के शुरू करेगा, फिर उसके बाद में सामाजिक स्तर के ऊपर कुछ भागीदारी शुरू करेगा, और फिर केवल उपकार के स्वरूप में जिएगा। इस प्रकार से जागृति के प्रमाण का क्रम बाबा जी ने यहाँ प्रस्तावित किया है। मांगल्य, मांगल्य और सर्व मांगल्य के रूप में, मांगल्य, सर्व मांगल्य और महामांगल्य के रूप में बात किया। इसका मुझे कुछ ज्यादा मुझे याद नहीं है कि क्या होता है, तो इसको मैं और पूछ के बताऊंगा। बट बेसिकली इसमें आशय यही है कि मंगल से आशय होता है शुभ। तो शुभ क्या है, शुभ का स्वरूप क्या है, तो इस बारे में बात किया मांगल्य में। तो जीवन एक शुभ वस्तु है, है ना। उदय मंगल, उदय मतलब कुछ नया, जो पहले पहले जो था उससे कुछ नया उदय होना, इस रूप में उदय मंगल के बारे में बात किया। समाधान मंगल, अनुभव मंगल, जागृति मंगल। तो शुभ का कहाँ कहाँ पे स्वरूप है इसका, इसके बारे में बात किया गया है। सर्व मांगल्य, मानव के चारों आयाम यानी कार्य, व्यवहार, विचार व अनुभूति, पांचों स्थिति, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, तथा 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में निर्विषमता या सामरस्यता एवं एक सूत्रता। सर्व मांगल्यता, सर्व मांगल्य का आशय है सर्व शुभ का क्या स्वरूप होगा। तो मानव जो है वो चारों आयाम, यानी कि मानव जो है वो चार स्तर पे जीता है, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, इन चारों आयामों में, और उसको पांच स्थितियों में जीता है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। पांच स्थितियां जो है एक प्रकार से मानव की आइडेंटिटी है। तो मानव की एक तो आइडेंटिटी उसके अपने रूप में होगी, इकाई के रूप में, व्यक्ति के रूप में, फिर वो दूसरा उसकी आइडेंटिटी होगी उसके परिवार के रूप में, तीसरा उसके समाज के रूप में, फिर राष्ट्र के रूप में और अंतर्राष्ट्र के रूप में, तथा 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में निर्विषमता या सामरस्यता एवं एक सूत्रता। तो इस सर्व मांगल्य का स्वरूप बनता है ये चारों आयाम, पांचों स्थितियां और व्यवस्था के 10 सोपानीय व्यवस्था में निर्विषमता और एक सूत्रता। महामांगल्य, महामांगल्य क्या है कि शुभ का जो मूल स्वरूप है या अंतिम स्वरूप है उसको मेरे ख्याल से यहाँ पे कहा गया है। तो ये मांगल्य वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं, मैं उसको और एक बार और लोगों से पूछ के आपको शेयर करूंगा। तो ये महामांगल्य जो है आधार के रूप में बताया, सत्यानुभूति जागृति के रूप में महामांगल्य है। 29 या 29, उपलब्धि, इससे जो अध्ययन से उपलब्धि क्या होगी, है ना। तो उपलब्धि जो है वो है सह अस्तित्व में अनुभूति, है ना। तो उपलब्धि, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज प्रमाण ही सर्वशुभ, ब्रह्म मुक्ति और नित्य जागरण, है ना। तो उपलब्धि जो है सहस्तित्व में स्थापित मूल्यों में अनुभूति, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज प्रमाण यही सर्वशुभ, ब्रह्म मुक्ति और नित्य जागरण, ब्रह्म मुक्ति और नित्य जागरण।
तीसवां शिक्षा में पूर्णता। तो शिक्षा में पूर्णता को पहचाना गया कि शिक्षा के में इन तीन चीजों को पहचाना गया, चेतना विकास, मूल्य शिक्षा और तकनीकी। तो ये तीन आयामों में शिक्षा की पूर्णता को स्वीकारा गया। ठीक है, तो इसमें से जो चेतना विकास और मूल्य शिक्षा है ये नया दर्शन के द्वारा प्रस्तावित है। तकनीकी जो पक्ष है वो यथावत रखा गया है। तो दर्शन में तकनीकी का कोई नया प्रस्ताव या नई इनोवेशन नहीं है। दर्शन तकनीकी जो है मानव परंपरा में जो सार्थक तकनीकी है उसको यथावत स्वीकारा गया है। चेतना विकास और मूल्य शिक्षा के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। परंपरा में संपूर्णता, मानव परंपरा में संपूर्णता का क्या स्वरूप है? मानवीय इसमें शिक्षा संस्कार हो जाए, मानवीय संविधान और मानवीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था हो जाए। इस रूप में परंपरा में पूर्णता का स्वरूप है। समय का थोड़ा देखें क्या है, 10-20 अपने पास में 10 और मिनट है। तो मेरे ख्याल से ये हमने मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कर लिया है। तो इसके साथ में हम ये लेखकीय वाला सेक्शन भी आज पढ़ लेते हैं। तो ये है लेखकीय। मानव में साम्यतः पाए जाने वाले रूप बल व बुद्धि के योगफल से निर्मित पद एवं धन तथा इन सब के योगफल से उत्पन्न शिष्टताओं एवं भौगोलिक संरचनाओं तदनुसार आवश्यकताओं के आधार पर परस्पर सामरस्यता की कामना पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से धीरे धीरे पढ़ेंगे। मानव में साम्यतः मतलब सभी में पाए जाने वाले रूप बल और बुद्धि, तो ये इन तीनों के योगफल से निर्मित पद एवं धन है ना। तो रूप बल बुद्धि पद और धन ये मानव की पांच विभूतियां हैं और इन सब के योगफल से उत्पन्न शिष्टताओं और भौगोलिक संरचनाओं। तो इससे अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिष्टताओं का स्वरूप हुआ और भौगोलिक संरचनाओं और उसके अनुसार आवश्यकताएं बनी और इन सब के आधार पे जो मानव के जीने का जो स्वरूप बना इन सब में परस्पर सामरस्यता की कामना पाई जाती है। तो आज भी हम मानव में देखते ही हैं साथ संपूर्ण विश्व में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं हैं और अलग अलग संस्कृतियां हैं लेकिन उनमें एक परस्पर सामरस्यता की कामना तो हम देखते ही हैं कि कामना के रूप में तो मानव सही है। शिष्टता की वैविध्यता संपत्ति एवं स्वत्व की विस्तार प्रवृत्ति की उत्कटता के अनुसार मानव में सीमाएं दृष्टव्य हैं। तो मानव ने जो अपनी सीमाएं यानी अपने और पराये का जो भेद बनाया है वो किस आधार पे बनाया है कि शिष्टता की वैविध्यता के आधार पर, संपत्ति के अंतर अमीर और गरीब के, स्वत्व के विस्तार प्रवृत्ति ओनरशिप की हम कितना फैला सके इसकी विस्तार प्रवृत्ति की उत्कटता मतलब तेजी। तो इन चारों के आधार पर मानव में अपने और पराये की सीमाएं दिखाई देती हैं, दृष्टव्य मतलब दिखाई देती हैं। मानव में प्रत्येक सीमित संगठन प्रधानतः भय मुक्ति होने के उद्देश्य से हुआ है। तो जो भी कुछ मानव के संगठन बने हैं वो प्रधानतः भय मुक्त होने के उद्देश्य से बने हैं, है ना। कि मानव साथ में क्यों आया, क्योंकि उसको किसी भय से मुक्ति चाहिए थी। नहीं, अकेला मानव नहीं रहा, किसी प्रकार के समूह में या संगठन के रूप में आ गया। उसका कारण ये रहा कि वो किसी प्रकार से भय मुक्त होना चाहता था। सर्वप्रथम मानव ने जीव भय एवं प्राकृतिक भय से मुक्त होने के लिए साधारण आहार आवास अलंकार एवं हिंसक साधनों का आविष्कार किया है। इन हिंसक साधनों से मानव की परस्परता में
अर्थात दो मानव परिवार वर्ग और समुदायों के संघर्ष में प्रयुक्त होना ही युद्ध है। इसके मूल में प्रधानतः संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की वैविध्यता है, साथ ही उसके अनुसरण में स्वत्व एवं संपत्ति के विस्तारीकरण प्रवृत्ति भी है। यही केंद्र बिंदु है। मानव के साथ संघर्ष करने के लिए प्रत्येक संगठित इकाई अर्थात परिवार एवं वर्ग अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानने के आधार पर स्वत्व और संपत्तिकरण के विस्तारीकरण को न्याय सम्मत स्वीकार कर लेता है, फलतः उसी का प्रतिपादन करता है और आचरण एवं व्यवहार में प्रकट करता है। यही स्थिति प्रत्येक सीमा के साथ में है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर ही है कि किस प्रकार से वैविध्यता किस रूप में है, और हर वैविध्यता जो है वो एक सीमा का या एक अपने और पराये की भेद का आधार हो गया। तो मानव में किस प्रकार से संघर्ष है इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। इस ऐतिहासिक तथ्य से ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक सामुदायिक इकाई के मूल में सार्वभौमिकता को पाने का शुभ संकल्प है। तो इस सब के होते हुए भी, इतिहास में ऐसा होते हुए भी, प्रत्येक इकाई, सामुदायिक इकाई जो है, जो कि भय को से मुक्त होने के लिए बनाई गई थी, उसके मूल में भी एक किसी यूनिवर्सैलिटी या किसी सब सार्वभौमिकता को पाने का एक शुभ संकल्प उसके अंदर फिर भी निहित है। उसे चरितार्थ अथवा सफल बनाने का उपाय सुलभ हुआ है ना। ये जो शुभ संकल्प है इसको किस प्रकार से सफल बनाया जाए उसके लिए उपाय सुलभ हुआ है, जो मध्यस्थ दर्शन के रूप में मुखरित हुआ है। तो अभी अनेक समुदाय जो धरती के ऊपर स्थापित हुए हैं, उनको उनके उन सबके मूल में सार्वभौमिकता का शुभ संकल्प है, लेकिन वो सफल कैसे होगा उसके उपाय के रूप में मध्यस्थ दर्शन मुखरित हुआ है। यह मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, विधि एवं व्यवस्था के लिए प्रमाणों के आधार पर वर्तमान बिंदु में दिशा को स्पष्ट करता है। वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाने वाली न्याय पिपासा, समाधान एवं समृद्धि वांछा एवं सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना के आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है ना। तो एक वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय की प्यास, समाधान और समृद्धि की को पाने की इच्छा कामना और सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना के आधार पर मध्यस्थ दर्शन को प्रकट करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सह अस्तित्व सूत्र व्याख्या ही स्वयं में सामरस्यता है। सामरस्यता की स्थिति रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म की साम्यता समाधान पर आधारित है, जो दृष्टव्य अर्थात समझ में आता है। जैसे पदार्थावस्था की प्रकृति में रूप सामरस्यता, वनस्पति अर्थात प्राणावस्था की प्रकृति में गुण सामरस्यता, जीवावस्था की प्रकृति में परस्पर जीने की आशा व स्वभाव सामरस्यता का प्रकटन स्पष्ट है। धर्म सामरस्यता ही मानव में अखंडता है। इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में पाए जाने वाले धर्म, स्वभाव, गुण एवं रूप की सीमा में सामरस्यता की पूर्णता को पाना संभव नहीं है। यदि संभव होता तो मानव के पीछे की अवस्थाओं में सह अस्तित्व की तृप्ति को जानना मानना था, किंतु इसका न होना देखा जा रहा है। फलतः अग्रिम विकास में संक्रमण एवं पद में आरूढ़ता दृष्टव्य है। मानव में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है। इसको पा लेना ही मानव का परम उद्देश्य है। उसको सर्वसुलभ कर देना ही मध्यस्थ दर्शन का अभीष्ट है। धर्म सामरस्यता का तात्पर्य
सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने से है। तो इसमें सहअस्तित्व सूत्र व्याख्या जो है स्वयं में सामरस्यता है, और सामरस्यता का जो है प्रकाशन जो है पदार्थावस्था से ही शुरू हो गया है। पदार्थावस्था में रूप सामरस्यता और प्राणावस्था में गुण सामरस्यता, जीवावस्था में स्वभाव सामरस्यता और मानव में धर्म सामरस्यता की संभावना है। तो मध्यस्थ दर्शन जो है वो उस धर्म सामरस्यता को सफल बनाने के अर्थ में है। मानव जीवन सफल हो, अन्य में संतुलन प्रमाणित हो। ए नागराज, आई गेस दिस इज अबाउट इट। हम लोग की 10 क्रियाओं में बल और शक्ति में क्या अंतर है ना? तो देखिए, जीवन की क्रियाओं के ऊपर हम एक अलग से सेशन ही लेने का प्लान किए हैं, एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म कि साधन भैया ने इस बात की सहमति दी है कि वो इसका सेशन वो लेंगे। तो 31 मार्च को 9:30 AM टू 10:30 AM वाले सेशन में साधन भैया जीवन की क्रियाओं पर डिटेल में बात करेंगे। बताने के लिए आप में से अधिकांश लोगों ने इस वाले चार्ट से परिचित होंगे, है ना, कि जीवन में ये 5 बल और 5 शक्तियां हैं। इनके नाम एक बार मैं पढ़ देता हूं। तो जीवन अपने आप में एक गठनपूर्ण परमाणु होते हुए आत्मा उसका मध्यांश है और बुद्धि प्रथम परिवेश, चित्त द्वितीय परिवेश, वृत्ति तृतीय और मन चतुर्थ और अंतिम परिवेश उसका होता है। और उसके बाद में इसके तो ये जो है इनको बल भी कहा जाता है। तो कोई भी चीज अगर है तो उसको तो वो बल है, तो होने को ही बल संपन्नता कहा है। तो मन जो है वो उस बल है और उसकी शक्ति जो है वो परस्परता में प्रदर्शित होती है। तो कोई भी चीज है तो वो बल है और उसकी शक्ति परस्परता में प्रदर्शित होती है। तो मन की शक्ति आशा है, वृत्ति की शक्ति विचार है, चित्त की शक्ति इच्छा है, बुद्धि की शक्ति रितंभरा है और आत्मा की शक्ति प्रामाणिकता है। तो इस प्रकार से होने के रूप में मन और उसकी शक्ति जो है आशा है, बल और शक्ति। आज का जो सेशन लेंगे उसमें के ऊपर ही एक घंटे का सेशन उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है। तो उसमें आप अपन उसमें और डिटेल में इसको समझेंगे। तो सार रूप में जो क्वेश्चन था कि जीवन की 10 क्रियाओं में बल और शक्ति में क्या अंतर है, तो होने के रूप में बल है और परस्परता में शक्ति का प्रदर्शन है, ठीक है। दूसरा है ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, इसको विस्तार से बताएं। तो देखिए, इसमें जो है वेदांत परंपरा में जो कहा गया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ये इसके इस वाक्य के विकल्प के रूप में बाबा जी ने यहाँ प्रस्तावित किया ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। तो जगत शाश्वत का मतलब पदार्थ जो है या प्रकृति जो है वो अविनाशी है, इस रूप में जगत शाश्वत है। और ब्रह्म सत्य व्यापक रूप में जो सत्ता है वो सत्य के रूप में व्याप्त ही है, और जगत जो है प्रकृति जो है वो अविनाशी रूप में शाश्वत है। तो जगत जो है वो जड़ और चैतन्य इन दो स्वरूपों में है, जड़ में परिवर्तन और परिणाम के साथ में शाश्वत है। यानी कि जड़ प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है,
और उसके साथ में इस उसमें इस तरीके से परिणाम भी बदलता है, जैसे दो अंश का एक परमाणु है, फिर उसके बाद में चार अंश का एक परमाणु हो सकता है, इस प्रकार से अनेक निश्चित संख्या में अंशों के परमाणु है, इस रूप में परिणाम बदल सकता है और परिवर्तन रचना के रूप में बदल सकता है। तो परंतु मात्रा का नाश नहीं होता, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि पदार्थ जो है वो ऊर्जा में बदल जाए, सत्ता में बदल जाए, और या सत्ता जो है वो पदार्थ में बदल जाए। तो सत्ता और पदार्थ यानी प्रकृति का नित्य सामरस्यता सिद्ध है, ना सत्ता पदार्थ को काट रहा है या प्रकृति को काट रहा है, ना प्रकृति जो है वो सत्ता या ब्रह्म को किसी प्रकार से उसमें परिवर्तित हो रही है या उसमें नाश हो रही है। तो इन दोनों के बीच में एक नित्य सामरस्यता जो बनी हुई है, जिसको संपृक्तता भी कहा है, तो ये इन दोनों के बीच में जो नित्य सामरस्यता जो बनी है उसको परम भाव कहा है, है ना। तो सह अस्तित्व को परम भाव के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो ये मूलतः इस बात के विकल्प के रूप में है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि जो कुछ भी पहले जो बताया गया था भारतीय आदर्शवाद में कि ब्रह्म से ये जगत जीव जगत पैदा हुआ है, तो उसमें अलग अलग तरीके से कुछ बताया गया है, जो बाबा जी से ही मैंने सुना है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से, इस प्रकार से ये चार पांच तत्व हुए और इन पांच तत्वों के द्वारा सारी प्रकृति का जो है वो उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो ये बात कही गई कि उत्पत्ति की बात यहाँ पे नहीं कही, कि यहाँ पे किसी कोई भी चीज उत्पन्न होता है या नाश होता है इस रूप में प्रकृति नहीं है, जगत जो है वो शाश्वत स्वरूप में है, अस्तित्व को नित्य वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावित किया गया है। कोई भी ऐसा पॉइंट समय या काल नहीं है जबकि जगत नहीं था, मतलब जगत जो है वो निरंतर रूप से वर्तमान है, वो वर्तमान मतलब निरंतर वर्तता ही जा रहा है, स्थिति और गति की निरंतरता उनमें बनी हुई है। तो सत्ता जो है या ब्रह्म जो है वो सत्य रूप में, अपरिवर्तनीय रूप में, नित्य रूप में बना हुआ है, और जगत जो है वो उसमें वर्तता ही रहता है स्थिति और गति के रूप में, इस प्रकार से इस बात को देखा जा सकता है। और अगर इसमें कुछ बाबा जी के साथ में संवाद होगा तो मैं आगे उसको भेजने का भी प्रयास करूंगा। तीसरा जो पॉइंट है जो कि पूछा गया कि ये जो मूल तत्व के पॉइंट नंबर 8 में कि जीवन पुंज के बारे में चर्चा थी, तो रविश भाई ने पूछा कि जीवन तो जीवों में भी होता है, फिर जीवन शक्तियों का प्रकाशन वहां जीने की आशा तक ही कैसे सीमित है ना? तो इसके उत्तर में ये है कि ये बेसिकली शरीर की लिमिटेशन है, है ना। जैसे इसका मतलब जीवन शरीर की ये लिमिटेशन है कि जीवन शक्तियां जो हैं वो जीने की आशा तक को ही प्रकाशित कर पाती हैं जीवों के द्वारा, तो ये एक बात है। इसका एक जड़ उदाहरण अगर हम ले लें तो जैसे बिजली वही है, लेकिन वही बिजली जो है वो एक बल्ब में भी को भी जलाती है और वही बिजली एक कंप्यूटर को भी एनर्जी देती है। तो कंप्यूटर जो है वो कितने सारे फंक्शंस को कर सकता है, जबकि बल्ब जो है वो केवल रोशनी देने का काम करता है। तो बिजली दोनों में एक ही है, लेकिन जो है वो लिमिटेशन या कैपेबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट की है कि उसके अकॉर्डिंग वो प्रकाशित होता है। तो जीवन जो है वो उस जीव शरीर के द्वारा उतना ही अपने आप को प्रकाशित कर पाता है। तो जीव शरीरों में इतना भर होता है कि समृद्ध मेधस होता है, और मानव शरीर में क्या है, समृद्धि पूर्ण मेधस है,
यही बेसिक डिफरेंस है। तो समृद्ध मेधस और समृद्धि पूर्ण मेधस के अंदर क्या फर्क हुआ कि समृद्ध मेधस के द्वारा जीवन का शरीर को संचालित कर पाना और वंशानुसंगीयता को प्रकाशित कर पाना बन जाता है। तो वंशानुसंगीयता को प्रकाशित करने का मतलब क्या है कि शरीर का जो भी संकेत आता है उसका अनुमोदन वो जीवन कर देता है। मतलब जीवन अपने आप से कोई नया विचार पक्ष को नहीं जोड़ रहा है, अपना कोई नया इनपुट नहीं जोड़ रहा है। एक तरीके से वो बाईपास, वो एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट है कि जो कुछ भी शरीर से जो इम्पल्स आ रहा है उसको वो सहमत कर रहा है ना, इस रूप में काम कर रहा है। तो जीव जो है वो शरीर के सिग्नल के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। जैसे मौसम के अनुसार एक प्रकार से उनके चार विषयों के जो क्रियाकलाप होते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, उनके जो शरीर में जो इम्पल्सेस होते हैं बॉडी उसी के अनुसार या जीवन जो जीवन शक्तियां हैं उसके प्रति ही समर्पित रहती हैं। मानव में समृद्धि पूर्ण मेधस होता है तो उससे क्या है कि मानव में शरीर से जो संकेत आ रहा है उससे भिन्न करने की भी कैपेबिलिटी रहती है। तो वहां पे एक्चुअली मानव है वो मूलतः जीवों से भिन्न हो जाता है। तो जहां जीवों में केवल चार विषयों के अर्थ में ही सारा क्रियाकलाप है और पांच संवेदनाएं चार विषयों में समर्पित रहती हैं या वो काम करती रहती हैं, है ना, चार विषय आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अर्थ में जीवों का सारा क्रियाकलाप रहता है और उनका जीवन का पूरा आइडेंटिफिकेशन जो है वो शरीर से ही रहता है। मानव में बिना किसी जीवन ज्ञान के भी ये आइडेंटिफिकेशन जो है थोड़ा सा कटा रहता है क्योंकि वो अपने आप को पूरा शरीर नहीं मान पाता है। यही कारण है कि उसका उसमें मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रकाशन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हुआ क्या मानव में थोड़ा सा पानी पी लूं। मानव में संवेदनाएं प्राथमिक हो जाती हैं। मानव में संवेदनाएं जो हैं वो विषयों की तुलना में प्राथमिक हो जाती हैं। इस कारण से मानव का जो आचरण है, मानव के जीवन शक्तियों का जो प्रकाशन है वो जीवों से भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार संवेदनाओं को राजी रखने के लिए विषयों का अन्वेषण मानव में शुरू हो जाता है। एक बार फिर से बोलूंगा, संवेदनाओं को राजी रखने के लिए विषयों का अन्वेषण यानी विषयों में सुख ढूंढने का प्रयास मानव में शुरू हो जाता है। तो मानव का प्रकटन जीवों के बाद हुआ और ये प्रकटन ऐसा हुआ कि इसमें सुख की आशा समाहित हुई। अब सुख की आशा समाहित होने के साथ साथ कल्पनाशीलता का प्रकाशन हुआ और संवेदनाएं प्राथमिक हो गई। संवेदनाएं प्राथमिक होने के कारण सुख को ढूंढने का प्रयास संवेदनाओं में शुरू हुआ और वहां पर असफल होने के कारण संवेदना में सुख नहीं है, फिर सुख कहाँ है इसके लिए अनुसंधान हुआ। ये इस प्रकार से उसका क्रम है। तो एक बार फिर से, तो जीवन जीवों में होते हुए भी जीवन शक्तियों का प्रकाशन जीने की आशा तक ही उसमें सीमित है, उसका कारण जीव शरीर की लिमिटेशन है। इसलिए उसमें केवल वंशानुसंगीयता विधि से विषयों का क्रियाकलाप का ही प्रकाशन हो पाता है और संवेदनाएं उनमें विषयों के लिए कार्य करती रहती हैं। मानव में विषयों के साथ साथ संवेदनाओं का प्रकाशन होता है और संवेदनाएं प्राथमिक हो जाती हैं, जिससे मानव में आगे की संभावनाएं बन जाती हैं ज्ञान अर्जन की और कल्पनाशीलता का प्रकाशन होता है। कल्पनाशीलता ज्ञान का आरंभिक स्वरूप है और वही कल्पनाशीलता को हम प्रयोग करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब कल्पनाशीलता को दिशा दी जा रही है। ये कल्पनाशीलता जब वास्तविकता के साथ में तदाकार होती है तब जीवन अपनी सभी शक्तियों को एक साथ प्रकाशित कर पाता है, जिसको हम जागृति कह रहे हैं।
अगला प्रश्न लेते हैं जो कि पॉइंट नंबर 29 है कि कब हम कहेंगे कि अध्ययन पूरा हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 29 में एक बार पढ़ देता हूं। उपलब्धि है ना, तो इसमें ये क्या अध्ययन की क्या उपलब्धि होगी, वो है स्थापित सहअस्तित्व में स्थापित मूल्यों में अनुभूति, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण, यही सर्वशुभ, भ्रम मुक्ति और नित्य जागरण। तो ये इसमें मानव के लिए उपलब्धि क्या होगी ये इसमें लिखा है। तो भैया का ये प्रश्न था कि कब हम ये कहेंगे कि अध्ययन पूरा हो गया और नित्य जागरण से क्या आशय है। तो अध्ययन पूरा हो गया इसका अर्थ तो यही होगा कि अब स्वयं में कोई शंका नहीं बची और स्वयं में नित्य तृप्ति की स्थिति बनी हुई है ना, और प्रमाणित कर सकता हूं ये अपने में आत्मविश्वास बन गया है ना, ये हो गया तो हम कहेंगे अध्ययन पूरा हो गया। जीने की अब निष्ठा बन गई, इसी स्वरूप में मुझे जीना है, ये अपने में निर्णय हो गया और कुछ अपने में ये स्पष्ट हो गया कि वास्तविकता ऐसी ही है और मुझे ऐसे ही जीना है, और ऐसे जीने के लिए अपना साधनों के प्रति और अपने सामाजिकता के प्रति आश्वस्ति हो गई कि अब मैं इसको जी जाऊंगा, तब हम कहेंगे कि हमारा अध्ययन पूरा हो गया। तो ये दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं कि हमारी स्पष्टता पूरी हुई और हमें जीने के लिए जो आवश्यकता है, जो सामाजिकता है, उन दोनों की हमें स्पष्टता हो गई, तब हम ये कहेंगे कि हमारा अध्ययन पूरा हो गया। इसके आगे प्रमाणित होने का क्रम है। नित्य जागरण का आशय ये है कि इसके बाद जागृति की निरंतरता हो, मतलब कि उसके बाद में हर समय समाधान का ही नित्य प्रकाशन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद हमेशा अब सोएंगे नहीं, जागते ही रहेंगे। नित्य जागरण का आशय है कि हम इसके बाद में जागृति को हमेशा प्रमाणित करते रहेंगे। तो जीवन हमेशा चाहे सोए हो चाहे जागे हो, जीवन तो जगा ही रहता है और उसमें चिंतन की क्रिया चलती ही रहती है। इसके साथ में अब उसको प्रमाणित करने का उसका उद्देश्य बन जाता है। पांचवा प्रश्न है, समझ अर्जित करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बात किया था कि शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में ही अध्ययन किया जा सकता है, अकेला जीवन अध्ययन नहीं कर सकता और अकेला शरीर के अध्ययन करने की तो कोई बात भी नहीं है। तो इसलिए समझ अर्जित करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है, बारंबार शरीर यात्रा की आवश्यकता है जब तक समझ पूरी ना हो जाए, है ना। तो बारंबार जीवन जो है शरीर यात्रा करता ही है जब तक उसकी एक ऐसी यात्रा ना हो जब तक उसकी समझ पूर्ण ना हो जाए। तो भैया का प्रश्न ये है कि क्या यही मानवीय परंपरा बनाने की आवश्यकता है। तो उत्तर है हाँ, ऐसा ही है कि जीवन जो है, मानव जीवन जो है, वो शरीर यात्रा करने का उद्देश्य यही है कि वो जागृत हो और जागृति को वो प्रमाणित करे। यही दो उद्देश्य के साथ में जीवन शरीर यात्रा को करता है। तो दिव्य मानवीयता तक पहुंचते तक जागृति को प्रमाणित करने की आवश्यकता जो है उसमें बनी रहती है। क्रिया पूर्णता से पहले जागृत होने की आवश्यकता बनी रहती है। तो इन दोनों के साथ में जीवन पाया जाता है। तो ये क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता परंपरा के रूप में उपलब्ध होने से या शिक्षा के रूप में उपलब्ध होने से ही ये सामान्य रूप से अर्जित किया जा सकता है, अन्यथा इसका लिए जो रास्ता है वो समाधि संयम वाला ही रास्ता है, जो कि एक सहज रास्ता नहीं है, है ना। क्योंकि समाधि संयम का जो रास्ता है वो अपने आप में ही एक दुरूह रास्ता है, क्योंकि एक निश्चित प्रश्न बन पाना और उसके लिए एक प्रकार की निष्ठा और अभ्यास जो है वो सर्वसुलभ नहीं है, है ना। सर्वसुलभ जो विधि है वो मानवीय परंपरा विधि है, जिसमें
कल्पनाशीलता को चुप कराने के स्थान पर कल्पनाशीलता को एक सही दिशा देने और विधि का एक स्वरूप स्पष्ट होने की बात है। तो मानवीय परंपरा जैसे जैसे बनती है वैसे ही सामान्य रूप में जागृत होने का स्वरूप बन जाता है। अगला है, क्रिया पूर्णता के लिए न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि चाहिए अपने में, तो ये कैसे होगी, इस पर प्रकाश डालें। तो ये वाला जो प्रश्न है शायद उस जगह से आया है कि हम ये कहते हैं कि अध्ययन के लिए न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि चाहिए, अभी अपने में कैसे होगी इसके ऊपर इसको हम स्पष्ट करें। ये एक्चुअली प्रश्न मैंने भी, मुझे याद है, बाबा जी से पूछा था कि आप कहते हैं कि न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि का प्रयोग करो, पर हमारे पास में है या नहीं है, इसका इसको कैसे करें, हाउ डू वी मेक अ बिगनिंग ऑन दिस। तो उन्होंने कहा कि देखो, न्याय धर्म और सत्य की दृष्टियां होती ही हैं जीवन में, उनका उपयोग करने की बात है। तो मनुष्य जो है अभी भी आप जो है किसी ना किसी चीज को न्याय, किसी ना किसी चीज को धर्म और किसी ना किसी चीज को सत्य मानते ही हो। तो अभी भी मानव जो जी रहा है वो किसी चीज को न्याय कहता है, किसी चीज को अन्याय कहता है, किसी चीज को समाधान कहता है, किसी चीज को समस्या कहता है, किसी चीज को सच कहता है, किसी चीज को झूठ कहता है। तो ये वाली चीज के प्रति ही हमको और प्रिसाइज होने की बात है। तो अध्ययन में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को न्याय धर्म और सत्य के प्रति ही हम स्पष्ट हो रहे हैं, उसकी हम डिटेल में जा रहे हैं और उसको हम उसी को हम अभी भी हम कुछ जो माने हुए हैं अध्ययन में, जो सूचना के रूप में माने हुए, उसी को हम अब प्रिसाइज जगह पर पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये उन्होंने कहा, अभी जो तुमने सूचना के रूप में जो न्याय धर्म और सत्य को माने हो, इसको अब अभ्यास में लाओ कि जीने में, अब इसको देखो कि ये जो सूचना में जो तुमने ग्रहण किया और जो ये वास्तविकता है, इन दोनों के साथ में मिलाओ, इसके साथ में मिलाते हो तब हम तुम न्याय की जो दृष्टि है उसको प्रयोग करने का प्रयास करते हो। तो जो चीज जो पहले वहां पर जो शब्द जो के रूप में जो रहता है वो पर्याप्त नहीं होता, ऐसा करने से ही साक्षात्कार की आवश्यकता बनती है। तो हम जो पहले अभी सूचना के रूप में जो ग्रहण करते हैं उसके साथ में जब हम अभ्यास को जोड़ते हैं, यानी अपने अभ्यास के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम जहां पर हैं जिस किसी ना किसी परिवार के सदस्य ही हैं और परिवार ही अध्ययन और अभ्यास की स्थली है, उस परिवार में ही अपने संबंधों की पहचान करते हुए हमको इन वास्तविकताओं को पहचानना है। और अगर देखें तो वास्तविकताओं को पहचानने में न्याय धर्म और सत्य, ये सार रूप में इस दर्शन के तीन क्रक्स पॉइंट हैं जिनमें हमको वास्तविकता को पहचानना है, क्योंकि अध्ययन साक्षात्कार जो है ये इन्हीं तीन चीजों में हमको सूत्रित होना है। तो हम जो है अपनी परस्परता में न्याय को जो पहचानने का प्रयास शुरू करते हैं कि क्या यहाँ पे ये न्याय हुआ या नहीं हुआ, और ये जो है वो धर्म, ये समाधान हुआ या समस्या हुआ, ये सत्य है ये असत्य है, इस प्रकार से हम जब पहचानने लगते हैं और ये पहचान हमारी जब पूरी हो जाती है, उसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा अध्ययन पूरा हुआ, वो क्रिया पूर्णता की स्थिति बनी। तो इसी को हम क्रमशः अभ्यास करने की आवश्यकता है कि सूचना को अभ्यास से जोड़ने के बाद ही वो स्वत्व बनता है, उसके बिना वो बनता नहीं है, है ना। तो और उसके लिए हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमको अपने वातावरण को बदलने की आवश्यकता है, कहीं दूर चले जाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से हम जहां हैं वहीं से हम अध्ययन का और अभ्यास का प्रयास कर सकते हैं, जिससे न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टियां हमारे अंदर जो हमारे में मौजूद ही है उनका हम उनको हम एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, स्मरण पूर्वक, है ना। तो अगर अध्ययन की परिभाषा देखें
तो वो अध्ययन की परिभाषा भी यही है, अधिष्ठान के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक है ना किया गया प्रयास प्रक्रिया, ये अध्ययन है, ठीक है ना। तो अधिष्ठान के साक्षी मतलब जो आत्मा जो है, जो कुछ भी क्रियाकलाप है जीवन का, मन वृत्ति और चित्त का, इसका दृष्टा बना ही है, और इसका इस और साथ में अनुभव की रोशनी यानी अध्यापक के मार्गदर्शन के अंदर जब विद्यार्थी जो है अपनी कल्पनाशीलता में जो कुछ अभ्यास करता है न्याय धर्म और सत्य को समझने का, उससे वो उनके बारे में स्पष्टता को पाता है, वही अध्ययन का अध्ययन की परिभाषा है, जिससे उसमें सहस्तित्व को का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार ये क्रमिक रूप से होने वाली बात है, क्रमिक रूप से साक्षात्कार होकर अवधारणा बनती है, अवधारणा पूर्ण होने के बाद में अनुभव संपन्नता की स्थिति बनती है। तो ये बेसिकली अपने पास में 6 क्वेश्चंस आए थे, है ना। इसके फिर उसके बाद कृतज्ञता और अध्याय 1 और अध्याय 2, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इस बीच में एक दो और अपडेट दे देता हूँ कि साधन भैया से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वो जीवन की क्रियाओं पर एक अपना प्रेजेंटेशन को रखेंगे। और सुरेंद्र पाल जी से बात की, उन्होंने निर्भ्रमता ही विश्राम वाला अध्याय जो है वो पढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी है। सो अच्छी बात यह है कि अनेक लोग आकर इस प्लेटफॉर्म को यूज करें और अपने अपना उनको जो समझ में आया ये शेयर करें, सो उससे ये सेशन और अच्छा हो सकेगा, ये उम्मीद है। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो संदेश, भूमि सर्वताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। इसको अपने कल उस अभी मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में भी इसका पढ़ा था कि भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ का उदय हो। तो व्यापक शून्यावकाश में स्थित अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में अंगभूत, अंगभूत मतलब उसका एक पार्ट में अंगभूत इस पृथ्वी पर वर्तमान में पाए जाने वाले मानव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको ह्रास और विकास का अध्ययन एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त है। ठीक, तो इसमें एक बात को इस पे ध्यान आकर्षण जो कराया गया है कि एक तो अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांडों में के अंग में पृथ्वी में वर्तमान में जो मानव हैं वो सौभाग्यशाली हैं। तो इस किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, ह्रास और विकास। तो अगर हम देखें तो बाबा जी ने जो प्रकृति के व्यवस्था को देखा तो उसमें एक विकास के क्रम को पहचाना, तो अध्ययन जो है वो एक प्रकार से प्रयोजन और क्रमिकता का अध्ययन है। तो किस प्रकार से ह्रास होता है, किस प्रकार से विकास होता है ना, उसका अध्ययन है। तो प्रकृति जो वर्तमान है वो या तो ह्रास की ओर गतित है या विकास की ओर गतित है। तो सामान्य रूप से अगर मानव भ्रमित मानव का हस्तक्षेप ना हो तो सामान्य रूप से प्रकृति का गति जो है वो विकास और जागृति की ओर ही होता है, और भ्रमित मानव के कारण जो है वो ह्रास की ओर गतित होता है। तो इस प्रकार से इस अध्ययन का एक रेफरेंस पॉइंट उन्होंने रखा कि मानव को ह्रास और विकास का अध्ययन व प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन प्राप्त है। अभ्युदय यानी सर्वतोमुखी समाधान सबको सर्वत्र उत्प्रेरित कर रहा है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। तो ये आशय है कि हम मानव के लिए ये एक प्रकार से संदेश है या
एक प्रकार से एक कौशन है कि हम मानव जो हैं अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लें कि ये जो ह्रास और विकास के क्रम में हम कहाँ खड़े हुए हैं, आगे हमारी वास्तव में नियति क्या है, और अगर हम ह्रास की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार से स्वयं का मूल्यांकन कर लो, तभी गलती और अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। ये वर्तमान परिस्थिति के लिए भी एक बहुत प्रासंगिक संदेश मुझको लगता है कि मानव जाति को अपना स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तभी वो जिस संकटों में बारंबार घिर जा रहा है और जो विश्व के में जो संकट हो रहे हैं वो विश्व स्तर के संकट हो रहे हैं, तो उसका निदान वही है कि मानव अपना स्वयं का मूल्यांकन कर ले। आगे है, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं सिद्ध मूलभूत आधार हृदयंगम करना होगा, वह है भूमि, अखंड राष्ट्र एक, राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, ईश्वर व्यापक स्वरूप में और देवता अनेक। तो इस बारे में हम लोग बात कल ये मूल तत्व में भी ये आ चुका था, तो इसको अपन आगे बढ़ते हैं। आगे एक, प्रत्येक मानव मात्र को एक इकाई के रूप में जाने और उसके साथ तदनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता और पात्रता सहज विकास के लिए। मतलब ये जो प्रस्तुति है वो किस लिए है, ताकि प्रत्येक मानव मात्र एक इकाई के रूप में जाने और उसके अनुसार निर्वाह कर सके, ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता का विकास हम में हो, इसलिए ये है। दूसरा, सह अस्तित्व, संतुलन, समाधान, अभय और सुख सहज अक्षुण्णता के लिए। अक्षुण्णता मतलब निरंतर बना रहना। तीन, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार संपन्न जीवन दृढ़ता पूर्वक जीने में समर्थ होने के लिए, है ना। तो मानव का चरित्र किस प्रकार में हो, तो मानवीय चरित्र की बात की गई है। स्वधन में जीना, देखिए सामाजिक रूप में व्यवस्था होने के लिए ये तीन सूत्रों को बताया गया कि किस प्रकार से मानव को समाज के स्तर पर व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए स्वधन, यानी हर परिवार जो है वो स्वधन में जिए, है ना, हर परिवार समूह स्वधन में जिए, हर ग्राम सदन में जिए। इस प्रकार से स्वधन को पहचाना गया प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार के रूप में, है ना। प्रतिफल का मतलब होता है अपने मेहनत से प्राकृतिक श्रम पर नियोजन करके प्राप्त किया गया धन, और स्वनारी स्व और पारितोष का मतलब होता है संबंधों में जो हम गिफ्ट आदि जो देते हैं उसके रूप में पारितोष को पहचाना गया है, और पुरस्कार जो है वो समाज या व्यवस्था के द्वारा किसी की श्रेष्ठता को पहचान कर पुरस्कार देने की बात रहती है। तो उन सब चीजों को स्वधन माना गया है। तो छीना झपटी के स्थान पर स्वधन के में जीने का यहाँ संदेश है। दूसरा, स्वनारी स्वपुरुष, यानी कि जो पुरुष स्त्री के बीच में जो संबंध है जिससे सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में ये स्वनारी और स्वपुरुष का संदेश है। फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये मानवेतर प्रकृति के साथ में दयापूर्ण और मानव प्रकृति के साथ में दयापूर्ण कार्य व्यवहार का संदेश है। दया का अर्थ है पहले जीने दो फिर जियो, तो ये तीसरे पॉइंट का मतलब है। चार, अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की ओर गति के लिए सुगम मार्ग पाने के लिए। तो इसमें जैसे हमने बात कर रहे थे कि ये विकास और जागृति की दिशा को पहचाना गया है, तो मानव के लिए क्या दिशा होगी, वो होगी अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता। तो इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो शिक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता है उसको सुलभ कराने के उद्देश्य से मध्यस्थ दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। पांचवा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में दायित्वों का सहजता पूर्वक निर्वाह करने के लिए। छठा,
आशित, आशित मतलब एक्सपेक्टेड, आशित मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान सहित प्रमाणित होने के लिए। सातवां, राष्ट्र में मानवीयतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता सहज विकास के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था एवं नीति पक्ष में पारंगत होने के लिए इनके आधारभूत तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। तो इसके लिए राष्ट्र में मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता के विकास के लिए जो भी उसके लिए आवश्यक कानून है और व्यवस्था के जो नीति पक्ष है यानी उसकी जो पॉलिसीज हैं, उन सब के लिए इनके ये जो फंडामेंटल फैक्ट्स जो चार के रूप में बताया, आधारभूत तथ्य कि भूमि एक, राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक, इनका अध्ययन करना आवश्यक है, है ना। उपरोक्त अध्ययन को सुलभ करने हेतु यह ग्रंथ मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का प्रथम भाग मानव व्यवहार दर्शन के नाम से संपूर्ण मानव समाज को अर्पित करते हुए मैं परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि सांकेतिक तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात यह ग्रंथ आपके व्यवहार एवं आचरण में मानवीयतापूर्ण दृष्टि, गुण व प्रवृत्ति को प्रस्थापित करने की प्रेरणा देगा एवं आपके व्यक्तित्व में के विकास में सहायक होगा, जिससे भूमि ही स्वर्ग हो जाएगी, मानव ही देवता हो जाएंगे, धर्म सफल हो जाएगा और नित्य मंगल भी होगा। ये नागराज, बढ़िया। तो आगे चलते हैं, मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित मूल बिंदु। सत्ता मध्यस्थ है, व्यापक है। सत्ता में प्रकृति सम विषम और मध्यस्थ क्रिया है, सीमित है, इसलिए सत्ता स्थिति पूर्ण है। देखिए, ये मध्यस्थ दर्शन है सत्ता को, यानी जो व्यापक सत्ता है जो सभी परस्परताओं के बीच में जो खाली स्थली के रूप में दिखाई देती है उसको मध्यस्थ कहा है, और जो प्रकृति जो इकाइयों के रूप में है ये सम विषम और मध्यस्थ क्रिया के रूप में स्पष्ट होती है, है ना। ये और सत्ता जो है वो स्थिति पूर्ण है, यानी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्रकृति स्थिति गति के साथ में है, यानी वो स्थिति भी है और गति भी है। प्रकृति की अनेक स्थितियां हैं, है ना, और इन स्थितियों में जो एक एक क्रम बना हुआ है। सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति स्थितिशील है, स्थितिशील मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन करती हुई। सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति स्थितिशील है, इसलिए सत्ता में प्रकृति समाई हुई है, अतः सत्ता में प्रकृति ओतप्रोत है। अस्तु, सत्ता में प्रकृति संपृक्त है, इसलिए ही प्रकृति पूर्णतया ऊर्जा संपन्न है। अस्तु, प्रकृति क्रियाशील है। तो सत्ता जो है अपने आप में, ये एक जो खाली स्थली है ये खाली नहीं है, ये अपने आप में एक ऊर्जा है, ये एक मूल प्रतिपादन है, और ये ऊर्जा जो है उसको साम्य ऊर्जा कहा है, और इस ऊर्जा में सब कुछ संपूर्ण प्रकृति डूबी भीगी घिरी है, यानी ओतप्रोत है, और उसको दूसरा नाम दिया है संपृक्त। तो उसे संपृक्त होने से प्रकृति जो है पूर्णतः ऊर्जा संपन्न है, और ऊर्जा संपन्न होने से कोई भी वस्तु अगर ऊर्जा संपन्न होगी तो क्या होगी, वो क्रिया करेगी, तो वो क्रियाशील है। और क्रिया का क्या स्वरूप है, अतः प्रकृति श्रम गति एवं परिणामशील है, है ना। कल हम इस बारे में बात किए थे, जो ये प्रकृति की इकाइयां संपृक्त होने से क्रियाशील है, और क्रिया का स्वरूप है श्रम गति और परिणाम, मतलब उसमें श्रम का मतलब है उसमें एक प्रयोजन की दिशा है, गति का मतलब उसमें उसका एक आचरण है, और परिणाम का मतलब उसका एक गठन है, यानी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई भी आपको प्रकृति में पदार्थ मिलेगा वो आपको प्रयोजन के साथ मिलेगा, उसका एक आचरण होगा और उसका एक निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन होगा या परिणाम होगा। फलस्वरूप प्रकृति ही चार अवस्थाओं के में प्रत्यक्ष है,
है ना, यानी जो प्रकृति जो है वो चार अवस्थाओं, ये श्रम गति परिणाम के फलस्वरूप प्रकृति चार अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। इसलिए सत्ता में संप्रत जड़ चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य प्रकृति ज्ञान अवस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होने के अवसर समीचीन है तथा चारों अवस्थाएं एक दूसरे से संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं, है ना। तो ये इसको इसका एक बार और क्लोजली इसको पढ़ लेते हैं। इसलिए सत्ता में संप्रयुक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, जड़ तो हमें समझ में आता है भौतिक रासायनिक, और चैतन्य प्रकृति क्या है, जीवन। जड़ और चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य प्रकृति में, अब इसमें जड़ में ज्ञानावस्था, तो चैतन्य प्रकृति में जीवावस्था और ज्ञानावस्था दोनों को चैतन्य प्रकृति कहा गया है। जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जड़ और चैतन्य का संयुक्त स्वरूप होता है, तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीव और मानव पाए जाते हैं। तो ज्ञानावस्था का मानव है, तो मानव ज्ञानावस्था का है, वो एक प्रकार का जीव नहीं है, ये एक मौलिक प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। तो ज्ञानावस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता, इससे संपन्न होने के अवसर समीचीन है, मतलब उसमें एक पॉसिबिलिटी है ना, उसमें इसका अनुभव करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने का अवसर समीचीन है, मतलब उसमें इसकी अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी हुई है। समीचीन मतलब हमेशा उसके पास ही रहती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभव उसमें पहले से ही है, अनुभव करने की का अवसर उसमें हमेशा उसके पास उपलब्ध रहता है। तथा चारों अवस्थाएं यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था एक दूसरे के साथ पूर्णता और संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं। तो पूर्णता किसको कहते हैं, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, है ना। तो ये पूर्णता हो जाए यानी विकास हो जाए, ब्रह्म मुक्ति हो जाए, जागृति का प्रमाण हो जाए, इस अर्थ में ये सब जो अवस्थाएं हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ उनका संबंध बना हुआ है, अनुबंधित है, मतलब उनके वो एक दूसरे के साथ में उनका संबंध बना है, जिसके अर्थ में उनका कर्तव्य और दायित्व प्राकृतिक रूप से सुनिश्चित है, ठीक है। पूर्णता और संपूर्णता के अर्थ में अनुबंधित है। पूर्णता और संपूर्णता में अंतर भी अपन समझ देते हैं। पूर्णता जो है वो चैतन्य प्रकृति में है और संपूर्णता जो है वो जड़ प्रकृति में देखी जाती है। जैसे पूर्णता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये तीनों जीवन में होगा। और संपूर्णता जो है वो मिलके जब बनती है, जो कई इकाइयां जो मिलके जब किसी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं उसको संपूर्णता कहते हैं। तो पूर्णता और संपूर्णता ये दोनों के दोनों दोनों जो है अस्तित्व में प्रकृति में प्रमाणित होते हैं। सत्ता मध्यस्थ है, इसलिए मध्यस्थ सत्ता में संप्रयुक्त प्रकृति नियंत्रित एवं संरक्षित है। प्रत्येक परमाणु में पाए जाने वाला मध्यांश या नाभिक मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए सम विषमात्मक क्रियाएं एवं सापेक्ष शक्तियां नियंत्रित एवं संरक्षित हैं, ठीक है। तो सत्ता अपने आप में मध्यस्थ है और प्रकृति इसमें होने से उससे प्रभावित है, और प्रभावित होने से प्रकृति में जो क्रियाशीलता है वो अपने आप में नियंत्रित है और उसका नाश नहीं होता है, इस प्रकार से वो संरक्षित है। और प्रकृति का जो मूल स्वरूप है जिसको गठन कर रहे हैं, जिसका गठन है उसको हम कह रहे हैं परमाणु, जो कि स्वचालित रूप में काम कर रहा है। तो अगर हम देखें तो परमाणु अंश मिलके परमाणु बना रहे हैं और एक निश्चित संख्या में परमाणुओं की प्रजातियां हैं। ये इनकी 120 प्रजातियों को बाबा जी ने पहचाना और उसमें 121वें में जीवन को भी एक परमाणु के रूप में पहचाना, गठन पूर्ण परमाणु के रूप में। तो ये परमाणुओं की प्रजातियां जी ही आपस में मिलके यौगिक बना के और अणु बना के
मिश्रण बना के अनेक प्रकार के भौतिक रासायनिक वैभव को प्रकाशित करते हैं। तो अभी विज्ञान के द्वारा भी अनेक परमाणु के प्रजातियों को पहचाना गया है, पर उनकी व्यवस्था की दिशा और प्रयोजन को की पहचान नहीं हुई है। यहाँ पर वो पिक्चर उस प्रकार से पूरी हो जाती है। कहाँ पे गए हम लोग? हाँ, इसलिए सम विषमात्मक क्रियाएं एवं सापेक्ष शक्तियां नियंत्रित एवं संरक्षित हैं। तो सम विषमात्मक क्रियाएं पाई जाती हैं प्रकृति में, और उनकी जो सापेक्ष शक्तियां यानी कि एक दूसरे के सापेक्षता में जो कार्य ऊर्जा जो प्रकाशित होती है वो नियंत्रित और संरक्षित रहती है। अनंत क्रिया अथवा क्रिया समूह ही प्रकृति है ना। प्रकृति अनंत है, मतलब उसकी किसी भी संख्या से उसको गिना नहीं जा सकता। तो ये सारी क्रियाओं का समूह ही प्रकृति है जो जड़ और चैतन्य के रूप में गण्य है। जड़ प्रकृति ही विकास पूर्णता के अनंतर चैतन्य पद को पाती है, यह नियति विधि से संपन्न रहता है। तो ये एक मौलिक बात इस दर्शन में पहचानी गई है कि जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है ना, यानी भौतिक रासायनिक परमाणु ही प्रस्थापन और विस्थापन के द्वारा, मतलब अपने परमाणु अंशों में एक से बाहर निकल के या उसके अंदर और समा के एक निश्चित गठन को प्राप्त करता है। तो जीवन परमाणु अपने आप में एक निश्चित गठन है, ये उसको हम कह रहे हैं गठन पूर्णता, तो उसको विकास भी कहा है। और ये नियति विधि से गठित होता है, यानी कि प्राकृतिक विधि से वो गठित होता है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये एक प्राकृतिक योग संयोग से गठित होता है। मानव जो है वो जड़ और चैतन्य, जड़ मतलब भौतिक रासायनिक और चैतन्य मतलब जीवन, जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है, साथ ही प्रकृति का भी अंश है। एक मिनट में जरा पानी पी लूं। विकास क्रम में गठन पूर्णता ही विकास, जागृति क्रम में भी भ्रमित मानव में जागृति ही क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है। तो विकास क्रम में गठन पूर्णता ही विकास है ना। तो जो पहले जो विकास क्रम में था वही आगे चल के विकसित होके गठन पूर्ण हो रहा है, और जागृति क्रम में जो भ्रमित मानव है वो ही जागृत होकर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को प्राप्त करता है। तो देखिए, जागृति या अध्ययन जो है वो भ्रमित मानव के लिए ही है ना। जो पहले से ही जागृत है उसको तो पढ़ने की कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो जागृति क्रम में जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, जो अपने आप को समझने वाला स्वीकार करता है, वही उसके लिए ही अध्ययन है ना। जागृत मानव कम विकसित प्रकृति के साथ व्यवहार व्यवसाय पूर्वक सदुपयोग प्रयोजनीयता का पोषण करता है। मानव का मानव के साथ व्यवहार अधिक जागृत के साथ में गौरव करना दायित्व है, तथा अधिक जागृति के लिए अभ्यास अध्ययन और चिंतन करता है। बढ़िया। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है। ठीक है, तो कर्म और फल को हम आगे इसमें अध्याय 6 में कर्म फल सिद्धांत पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, पर उसमें बेसिकली बात यह है कि मानव में कल्पनाशीलता होने के कारण वो कर्म करने में स्वतंत्र है, जबकि जीव जो हैं उनमें कोई कल्पनाशीलता पाई नहीं जाती। तो जिस भी वंश के होते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं, तो उस तरीके से वो कर्म करने में परतंत्र होते हैं। और जब भी फल होता है, मतलब जो कर्म करते हैं उसका कुछ फल होता है, फल जो है वो नियति विधि से ही आता है ना। मतलब क्योंकि उसके नियति विधि से आता है, उसका मतलब कोई रहस्यमय बात नहीं है उसमें, क्योंकि कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके साथ में और सब क्रियाओं के साथ जुड़ के ही उसका फल बनेगा। जैसे हम कोई बीज को बोते हैं तो उसके साथ में
मौसम का जुड़ना, वहां पे उसकी जीव जानवरों से सुरक्षा, और जो स्वेदत संसार है, मधुमक्खी आदि है, उनके संयोग, वो सबके साथ में होके, वर्षा, पानी, धूप, इन सब का संयोग होके ही उसका फल बनेगा। तो हम केवल ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बीज लगाया और उससे फल हो गया, उसमें उसमें केवल अपना ही योगदान नहीं है। तो कर्म हमारा करना बीज लगाना है, फल जो है वो नियति विधि से ही होगा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भ्रमित मानव जो है, अब इसमें फल भोगते समय परतंत्र है, इस प्रकार से कहा। तो यहाँ पे क्या है कि उसको प्रकृति के, अगर जब तक नियम की जानकारी नहीं है उसको, हम उसके किस प्रकार से होता है, क्या करने से क्या फल होगा, तो वो फल भोगने में परतंत्र होगा। मतलब कि वो कोई क्रिया कर रहा है, वो उसका फल होगा या भी नहीं होगा उसके प्रति आश्वस्त नहीं हो पाएगा, उस कारण से वो किसी भय में रहेगा या आस्था करेगा या किसी प्रलोभन में फंसेगा। जबकि जो जागृत मानव होगा वो नियम के प्रति आश्वस्त होगा, और वो जो है, जो उसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप है उसको वो करेगा, और उस फल को भोगने में वो स्वतंत्र होगा, क्योंकि जो जिस फल के उद्देश्य से उसने कर्म किया है वो फल उसको मिलेगा भी। इस पृथ्वी पर मानव जागृति क्रम में है, उसे जागृति पूर्ण होने का अवसर, वांछा व संभावना प्राप्त है। जागृत मानव का कम विकसित के लिए सहायक होना ही उसका प्रधान लक्षण है। तो ये एक मूल्यांकन है कि ये जो पृथ्वी पर जो मानव है वो जागृति क्रम में है। जागृति क्रम का मतलब अभी वो भ्रमित स्थिति में है और जागृत होने की उनमें अपेक्षा है ना, यानी उनमें कामना है कि वो समझदार होकर करें, लेकिन समझदारी में ध्रुवीकृत नहीं हुए हैं। उसके प्रमाण हम अपने चारों तरफ देखते ही हैं, हम कैसे रोगों में फंस जाते हैं, कैसे हम समस्याओं में, एक से एक बड़ी समस्याओं में ग्रसित होते जा रहे हैं। तो ये पृथ्वी पर मानव जागृति क्रम में है, लेकिन उसको जागृति पूर्ण होने का अवसर, वांछा और संभावना प्राप्त है, है ना। अवसर मतलब अवसर उपलब्ध हो गया है, वो उसके पास में, मानव के पास में अस्तित्व में अध्ययन करने का अवसर उपलब्ध है। दूसरा वांछा, उसमें एक कामना तो उसमें बनी हुई है, और संभावना भी उसमें है कि हाँ वो हो सकता है अगर वो अपनी कल्पनाशीलता को सही दिशा दे। आगे कहा, पदार्थावस्था से प्राणावस्था विकसित, प्राणावस्था से जीवावस्था विकसित, तथा जीवावस्था से भ्रांति ज्ञानावस्था का पशु मानव विकसित है। भ्रांति ज्ञानावस्था के पशु मानव से भ्रांत राक्षस मानव विकसित, भ्रांत राक्षस मानव से भ्रांता भ्रांत मानव विकसित, तथा भ्रांता भ्रांत मानव से निर्भ्रांत देव मानव विकसित है। निर्भ्रांत देव मानव से दिव्य मानव विकास एवं जागृति पूर्ण है। तो इसमें देखिए, ये पूरा क्रम अपन देख सकते हैं कि पदार्थावस्था से दिव्य मानव तक का क्रम है। तो ये तो अपने को स्पष्ट होता ही है कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था विकसित है, है ना। पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी पत्थर से ज्यादा उनमें विकसित क्रियाएं पाई जा रही हैं, है ना। उनमें एक वायु को लेने, उनमें ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन की क्रिया पाई जा रही है। फिर जीवों में हम देखते हैं कि और ज्यादा क्रियाएं पाई जा रही हैं, जिस प्रकार से वो जीने की आशा को प्रकाशित करते हैं, वंशानुषंगीयता को प्रकाशित करते हैं, है ना। और बहुत ही सिंपल एक दो कोशिकाओं वाले जीव से लेकर और बहुत ही विकसित जीव जैसे गाय, शेर आदि दिखाई देते हैं हमको। तो ये सभी वंशानुषंगीयता विधि से रहते हुए हमको दिखाई दे। मानव को एक अलग ही कैटेगरी में पहचाना गया है। मानव को एक अलग ही कैटेगरी में पहचाना गया है जिसको ज्ञानावस्था कहा है। अब ज्ञानावस्था में हमने देखा कि इसमें कुछ कैटेगरीज को पहचाना गया, पशु मानव, राक्षस मानव, फिर उसके बाद में
भ्रांता भ्रांत मानव, फिर देव मानव और दिव्य मानव, ये पांच कैटेगरीज में आदमी की पहचान की गई। तो पहला जो कैटेगरी है वो भ्रांत पशु मानव, फिर उसके बाद में भ्रांत राक्षस मानव, फिर उसके बाद भ्रांता भ्रांत मानव, और उसके बाद में निर्भ्रांत देव मानव, और फिर निर्भ्रांत देव मानव से जागृति पूर्ण दिव्य मानव। तो ये मानव में क्रम है जागृति की और जागृति पूर्णता की ओर, ये इस प्रकार की बात है। ज्ञानावस्था की इकाई दर्शन क्षमता संपन्न है, मतलब ज्ञानावस्था की जो मानव जो है वो देखने की, देखने का उसमें पोटेंशियल है, देखना मतलब समझना, समझने का उसमें पोटेंशियल है। दर्शन व्यापक में अवस्थित जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के संदर्भ में है, है ना। दर्शन किसका करना है, अस्तित्व का ही दर्शन करना है, और अस्तित्व का जो स्वरूप है व्यापक में अवस्थित जड़ चैतन्य प्रकृति। निर्भ्रम अवस्था में ही अनुभव ज्ञान व दर्शन पूर्ण होता है, है ना। तो जब अनुभव ज्ञान और दर्शन पूर्ण होता है उस स्थिति को हम निर्भ्रम अवस्था कह रहे हैं। इसलिए निर्भ्रमता ही जागृति, जागृति ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता ही संप्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता ही अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है, ठीक है। तो निर्भ्रमता जो है वो तो है भ्रम से मुक्ति, तो भ्रम से मुक्ति होना ही जागृति है, और जागृति ही प्रबुद्धता। प्रबुद्धता शब्द का आशय है ज्ञान विवेक और विज्ञान से संपन्न होना, या समझदार हो जाना, या बोध संपन्न हो जाना। फिर प्रबुद्धता ही संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि मानव जो प्रमाण का आधार बन जाना, यानी सही होने का आधार हो जाना। तो इसको तो कोई व्यक्ति जब समझदार होता है, प्रबुद्ध हो जाता है, यानी बोध संपन्न हो जाता है, उसके बाद जब वो जीने के स्वरूप में स्थापित होता है, तो जीने का स्वरूप जो है मिनिमम जो है वो परिवार के में जीने का स्वरूप है, जिसको हम, जिसको बाबा जी ने जागृत स्वरूप में जीने को कहा समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना। तो ऐसे जीते हुए मानव का जो जीने का स्वरूप है उसको संप्रभुता या सोवरेनिटी को माना गया। तो ये सोवरेनिटी जो है उसका आधार जो है वो जागृत मानव के रूप में पहचाना गया है। ये एक मौलिक डिफरेंस है जो कि अभी की परंपरा में जो अभी तक पहचाना गया सॉवरेनिटी को, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे राजयुग में राजा को संप्रभुता का आधार माना गया, तो उसके मूल में ऐसा माना गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और प्रभु ही ईश्वर, प्रभु या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और राजा जो है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, है ना। इसलिए राजा जो भी कहता है वो सही है, इस आधार पे उन्होंने राज व्यवस्था को स्थापित किया। तो राजा के सही होने के आधार पर राज व्यवस्था को स्थापित किया। अब धीरे धीरे ये लोगों ने, जब राजा लोगों को ऊट पटांग काम करते हुए देखा, तो फिर उन्होंने एक प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ और जनतंत्र विधि का आने का हुआ। जनतंत्र विधि में राजा जो है वो एक तरीके से सिंबॉलिक हो गए, जैसे राष्ट्रपति के रूप में राजा अपने देश को, देश में है जिसको, और बाकी जो सत्ता है यानी कि शासन करने का जो स्वरूप है उसको सभा विधि से करने का प्रस्ताव रखा। तो उसमें ये रखा गया कि संप्रभुता को कैसे पहचाने, वहां पर कौन कैसे क्या चीज सही है उसको कैसे पहचाने। तो उसमें देखा कि देखो सब जगह से रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और वो लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम राइट देंगे कि वो मिलके बहस करके, है ना, यानी जैसे लोकसभा और राज्यसभा इन जगहों पर पक्ष और प्रतिपक्ष बनेंगे और ये आपस में बहस करेंगे, और बहस में जो बहस करने से, है ना, या आर्ग्यूमेंट करने से वो किसी सही जगह पे पहुंचेंगे और उसके अनुसार वो कानून बनाएंगे और उस कानून को फिर लागू करेंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा,
और उसमें जो उसका पालन नहीं करेगा उसको जुडिशरी के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम जो है डेमोक्रेसी के अंदर अपने देश में भी हम देखते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के आधार पर सभा विधि से सोवरेनिटी को पहचाना। सोवरेनिटी अब कहाँ पे है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको जब वो इलेक्ट कर रहा है आदमी, उस समय वो सही कर रहा है, मतलब वोट देते समय आदमी गलती नहीं कर रहा है, बाद में वो गलती कर सकता है ऐसा माने, क्योंकि बाद में वो अपना अपने ऊपर शासन करने का अधिकार जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक तरीके से दे देता है। तो ये एक उसमें इस तरीके से शासन से हम डेमोक्रेसी के अंदर भी मुक्त नहीं हो पाए। तो आप देखेंगे कि संप्रभुता का जो स्वरूप है राजविधि में तो व्यक्ति केंद्रित शासन रहा ही, और डेमोक्रेसी में भी हम जो है शासन से मुक्त नहीं हो पाए, और शासन का मतलब ही अव्यवस्था है, हम जो है अपना जिम्मेदारी नहीं लेना ही शासन के ऊपर निर्भरता है। यहाँ पर एक डिफरेंट बात की जा रही है कि संप्रभुता को मानव में पहचाना जा सकता है, जागृत मानव को समय संप्रभुता को पहचाना जा सकता है, जिससे मानव जिस भी स्तर पर जिएगा वो स्वायत्त स्वरूप में जिएगा। तो परिवार में संप्रभुता का प्रमाण मिलेगा, परिवार समूह में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। तो इस प्रकार से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था जो है वो 10 सोपानीय रूप में आप लोगों ने कहीं ने उसके बारे में सुना होगा, उसको प्रस्तावित किया गया। तो उसका पूरा जो स्वरूप होता है वो उसको बोला प्रभु सत्ता, मतलब उसके अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का जो स्वरूप है वो प्रभु सत्ता कहा। तो अगर हम रिवर्स में जाएं तो ये पूरी जो चीज जो टिकी हुई है वो आदमी के समझदार होने के ऊपर टिकी है, यानी प्रबुद्धता के ऊपर टिकी है। प्रबुद्धता से फिर संप्रभुता आएगी, संप्रभुता से फिर प्रभु सत्ता में भागीदारी होगी, और प्रबुद्धता जो है उसके लिए हमारे पास में क्या औजार है, हमारे पास में औजार है हमारी कल्पनाशीलता और हमारे में सुखी होने की कामना। इन दोनों के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे हम प्रबुद्ध हो सकते हैं, फिर उससे हम अपने परिवार में संप्रभुता के से शुरुआत कर सकते हैं और फिर आगे हम उस प्रकार से बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सहज मार्ग एक बताया गया है जिसके लिए कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला सूत्र है मानव ही मानव के ह्रास व विकास में प्रधानतः सहायक है, है ना। ये भी एक सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक दूसरे के विकास में और एक दूसरे के ह्रास में प्रधानतः सहायक हो सकते हैं, मतलब हमारे को और प्रकृति नुकसान नहीं कर रही है, हमको जो है ह्रास और विकास में मानव ही एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो सहायक है। ठीक, तो आगे लिखा ज्ञानात्मनो विजेते, इसका शायद मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था, इसको मैं देख के बताऊंगा। बढ़िया, तो अगला चैप्टर देखते हैं कृतज्ञता। चैप्टर नहीं है ये, एक्चुअली अध्याय एक से पहले के कुछ प्राकथन जैसे हैं। कृतज्ञता, उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं जिनसे आज भी यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। कृतज्ञता जागृति की ओर प्रगति के लिए मौलिक मूल्य है। कृतज्ञता ही मूलतः संस्कृति व सभ्यता का आधार ग्राही एवं संरक्षक मूल्य है। जो कृतज्ञ नहीं है वह मानव संस्कृति व सभ्यता का वाहक बनने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता।
जो मानव संस्कृति व सभ्यता का वहन नहीं करेगा वह विधि एवं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था परस्पर पूरक हैं। इनके बिना अखंड समाज तथा सामाजिकता का निर्धारण संभव नहीं है। अस्तु, कृतज्ञता के बिना गौरव, गौरव के बिना सरलता, सरलता के बिना सहअस्तित्व, सहअस्तित्व के बिना कृतज्ञता की निरंतरता नहीं है। जो मानव कृतज्ञता को वहन करता है उसी का आचरण अगली पीढ़ी के लिए शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी है। यह मानवीयता में ही सफल है। जिस विधि से भी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए सहज सहायता मिला हो उन सभी के लिए कृतज्ञता है। ज्ञानात्मनो विजेते, एक नागराज। तो ये कृतज्ञता के ऊपर एक सारे मूल्य टिके हैं। कृतज्ञता जो है मानव की मानव के प्रति है। अभी ईश्वर केंद्रित विधि में मानव के प्रति कृतज्ञता का प्रमाण नहीं मिला, तो उससे मानवीय परंपरा का होने की संभावना नहीं बनी। जब यहाँ पे मानव केंद्रित चिंतन जो बाबा जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, इसमें मानव के प्रति कृतज्ञता यानी जिससे भी हमें कोई जागृति की ओर, विकास की ओर अपने सहयोग प्राप्त हुआ है या कुछ हमको मार्गदर्शन मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता के साथ ही सामाजिकता का कोई स्वरूप बनता है। तो इसलिए कृतज्ञता को आधार मूल्य भी कहा गया है, है ना। तो ये इसलिए बाबा जी ने भी अपने आप को, जबकि उन्होंने अपना प्रस्ताव जो है एक विकल्प स्वरूप में रखा है, तब भी परंपरा के प्रति उन्होंने कृतज्ञता को व्यक्त किया है कि उनसे जो परंपरा से जो मिला उसके प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि उनसे यथार्थता के स्रोत जीवित हैं। परंपरा से ही उनको मार्गदर्शन मिला, है ना, समाधि संयम के लिए, और उसके बाद में उन्होंने इस दर्शन के अनुसंधान को किया। एक मिनट में थोड़ा पानी और पी लेता। बढ़िया। तो इसमें फिर आगे लिखा है पुस्तक में प्रयुक्त संकेत, तो ये तो हम देखते रहेंगे, परिभाषाएं, संबंध, स्पष्टीकरण, विश्लेषण, अनुभूतियां, परिभाषाओं का। तो हमारे पास में 18 अध्याय हैं। आज हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं। इसका जो पहला सूत्र है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और मार्मिक सूत्र है, जो इतना अच्छा है कि इसके ऊपर और कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। इसी को ही हम यथावत पढ़ते हैं। मैं नित्य, सत्य, शुद्ध एवं बुद्ध। इस अध्याय का नाम है सहअस्तित्व। मैं नित्य, सत्य, शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। तो देखिए इसमें इसके आगे फिर इसमें इन सब की परिभाषाएं दी गई हैं। नित्य का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है, शुद्ध बुद्ध का मतलब क्या है। तो मूल में ये अनुभव पूर्वक है ना, अनुभव किसमें किया है, नित्य, सत्य, शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को, मतलब खाली व्यापक सत्ता को ही अनुभव नहीं किया है, उसमें संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए, यानी कि अनुभव का फिर उसके बाद स्मरण करते हुए, यानी अनुभव जो है वो चित्त में आया, यानी अनुभव मूलक विधि से चिंतन करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। अब इसको विचार रूप में विश्लेषण करते हैं, यानी विश्लेषण का मतलब किस रूप में, विश्लेषण का मतलब होता है दो भाग में बांट देना। तो
यानी अब जो है व्यक्ति अनुभव में स्थिर होके उस अनुभव के चिंतन करते हुए अब उसके बाद संसार को देख रहा है। तो उस प्रकार से क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है ना, क्या क्या सत्य है, असत्य है ना, ये इस प्रकार से विश्लेषण करने का मतलब है। तो उसमें बिल्कुल उसमें ग्रे ना रहे, क्लियर ब्लैक और व्हाइट हो जाए, उस रूप में विश्लेषण का मतलब होता है। विश्लेषण शब्द का मतलब भी होता है जिसमें श्लेष या चिपकाव ना रहे, है ना। तो विश्लेषण का मतलब दो भागों में बांट देना, मतलब आपकी ऐसी पैनी दृष्टि है कि आप चीजों को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, जिस जैसे मुहावरे में बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। तो उस तरीके से रूप में हम मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करते हैं, करता हूं, यानी कि मानव का अध्ययन इससे, इस जो ये प्रस्तुत किया जा रहा है उससे मानव का अध्ययन पॉसिबल हो गया है। देखिए अभी तक मानव का अध्ययन जो है पॉसिबल नहीं हो पाया, मानव का अध्ययन आदर्शवादी विधि में ईश्वर केंद्रित विधि से मानव छूटा रहा और भौतिकवादी विधि से या वैज्ञानिक विधि से जितना भी आदमी ने आज तक प्रोग्रेस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके बाद में जितना भी कुछ किया गया, उससे मानव को पहचानना पॉसिबल नहीं हुआ, मानव का अध्ययन पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कि आदमी का व्यवहार का कॉज एंड इफेक्ट को समझ नहीं पाए कि एक व्यवहार की क्रिया से कितना का प्रभाव कितना दूर दूर तक हो सकता है, इसका इसका आकलन इस जस्ट अ मिनट एक मिनट व्यवहार का आकलन कितना हो सकता है ये अभी तक संभव नहीं हो पाया। नित्य का मतलब है सदा सदा एक सा विद्यमान है, सत्य का मतलब सदा सदा एक सा भास आभास मान एवं अनुभव गम्य है, शुद्ध का मतलब सदा सदा एक सा सुखप्रद अनुभव में है, बुद्ध का मतलब सदा सदा एक सा बोधगम्य है। व्यापक सत्ता, व्यापक सत्ता क्या वस्तु क्या है, सदा सदा प्रकृति होने और न होने के स्थलों में वैभव। देखिए जो परिभाषा है वो अपने को बहुत ध्यान से देखने की बात है। तो ये शब्द का से इंगित वास्तविकता को इंगित करती है, है ना, शब्द से कोई वास्तविकता इंगित होती है और वास्तविकता अस्तित्व में है, उसको जो जो ये शब्द समूह है वो उस वास्तविकता को तक हमारी कल्पनाशीलता को पहुंचा देता है। तो व्यापक सत्ता को अगर हमें पहचानना है जैसे, तो उसको कहाँ पहचानेंगे, कहाँ सदा सदा प्रकृति होने और ना होने, इन दोनों जगहों पर जो जिस जिसका वैभव बना हुआ है उसको हम सत्ता कह रहे हैं, व्यापक सत्ता कह रहे हैं। सत्ता जड़ चैतन्य में पारगामी व परस्परता में पारदर्शी है। सत्ता मेता को परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा और पूर्ण संज्ञा है। संज्ञा का मतलब इसका नाम है। तो ये जो जो खाली स्थली के रूप में जो ये सत्ता है उसको अनेक नामों से भी दिया गया है। एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, एक नाम से अनेक वस्तुएं नहीं हो सकती, इसमें इस डिसिप्लिन का पालन किया गया है। तो सत्ता मेहता को इन सब नामों से किया गया है। अलग नाम, अनेक नाम से एक वस्तु को इंगित करने का क्या आशय है, ताकि उस बात की महिमा को स्पष्ट किया जा सके या किसी उसके उस आयाम में या उसके उस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सके। संपृक्त, सत्ता में डूबा भीगा घिरा हुआ जड़ चैतन्य प्रकृति, यही सहस्तित्व है, सहस्तित्व ही नित्य है, यही ज्ञान है, सहस्तित्व में ही नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म और परम सत्य स्पष्ट हैं। तो अगर देखें तो ये जो छह पॉइंट्स हैं, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म और सत्य, इन छह में
इन छह में सारी समझदारी को बाबा जी ने सूत्रित किया ये छह शब्दों के अंतर्गत, है ना। उससे पहले आपको बताया था कि पांच जो सूत्र हैं उसमें प्रकृति के स्वरूप को, अस्तित्व के स्वरूप को उन्होंने बताया कि सह अस्तित्व में विकास क्रम, सह अस्तित्व में विकास, सह अस्तित्व में जागृति क्रम और सह अस्तित्व में जागृति। ये पांच सूत्रों और इन छह फॉर्मूले, छह कीवर्ड्स जो है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य, इन इनके ऊपर सारा जो है, जो भाषा का जो कंस्ट्रक्ट उन्होंने बनाया इनके अंदर सूत्रित किया हुआ है। जड़ की क्या परिभाषा है? इकाइयां जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील है। इसको बहुत ही सिंपल है, जैसे टेबल, कुर्सी आदि, इनकी जो क्रियाशीलता है जितनी दूर तक फैले होते हैं उसी सीमा में क्रियाशीलता उनकी दिखाई देती है। चैतन्य, इकाइयां जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील हैं। यहां स्थली का तात्पर्य सत्ता मेहता है। तो ये जीवन परमाणु है वो चैतन्य है। तो जीवन जो है वो एक पुंजाकार बनाता है। जैसे अगर गाय के शरीर को जीवंत बनाने वाला जीवन है तो वो गाय के आकार में गति करता है और उस स्वरूप में एक पुंजाकार बनाता है। और उसी प्रकार से मानव के आकार का पुंजाकार है तो वो उस मानव के शरीर को जीवंत बनाता है। तो यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्ता मेहता है, मतलब कोई भी कहाँ जहां बनाएगा वो सत्ता में ही या व्यापक स्थली में ही बनाएगा। तो इस प्रकार से बात है। पुंजाकार को और समझने के लिए उसका एक एग्जांपल है, जैसे एक आप रस्सी के एक छोर पर आप आग लगाओ और उसको फिर घुमाओगे तो वो तेजी से घूमता है तो एक चक्र जैसा दिखाई देता है ना। तो उस चक्र को एक हम कहेंगे पुंजाकार। उसी तरीके से जीवन जो है वो जैसे शरीर का आकार है, उस आकार में बहुत तेज गति से गमन करता है तो एक प्रकार से एक पुंजाकार बनता है, उसको कहा गया है। जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। तो मानव जो है वो उसमें देखने की क्षमता है, लेकिन जागृत मानव जो है वो दृष्टापद की प्रतिष्ठा में गण्य है। मतलब वो दृष्टापद में तब हो जाता है जब वो जागृत होता है। मानव की परिभाषा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। मानव की परिभाषा क्या है? मनाकार को साकार करने तथा मनः स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। मानव की क्या संज्ञा है? जो मन में जो उसका आकार आ जाता है, यानी जो भी आइडिया आता है उसको वो मेटीरियलाइज कर लेता है। साकार करना मतलब मेटीरियलाइज कर लेना, उसको मूर्त रूप दे देना। और मन है स्वस्थता का आशावादी, उसको मानव में हमेशा इस प्रकार की आशा बनी रहती है या उस अपेक्षा बनी रहती है कि सुख की, शांति की, व्यवस्था की, प्रयोजन की। तो ये मन स्वस्थता की आशावादी मानव होता है और समझदारी पूर्वक ये आशा पूरी होती है तब ये मन स्वस्थता प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। व्यवहार, एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। तो व्यवहार को परिभाषित कर दिया कि व्यवहार, मानव जो है वो व्यवहार करता है, ये तो हम जानते ही हैं, अनेक मानव के साथ में मानव जीता ही है, लेकिन इस व्यवहार का क्या प्रयोजन है ये अभी तक हमें अज्ञात रहा है। हम ये जानते ही हैं कि अपनी परस्परताओं में, संबंध में जो अपेक्षाएं हैं वो अगर पूरी नहीं हो पाती हैं तो कितना हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हम लोग जो है संबंधों में की वजह से ज्यादा परेशान है बजाय कि भौतिक वस्तुओं के कमी या ज्यादा से। तो ये वाले सब कुछ पाने के बाद भी एक अधूरापन जो लगा रहता है उसका कारण यही है कि संबंध में अधूरापन रहना। तो मानव व्यवहार दर्शन का आशय यही है कि मानव का अध्ययन हो जाए जिससे मानव का जो व्यवहार वाला जो पक्ष है
वो हम उसके सभी आयामों को समझ पाए। तो मानव के एकत्र होने, मानव के साथ साथ रहने की आवश्यकता है ही, है ना। तो कोई भी मानव की परंपरा बनने के लिए, शरीर परंपरा बनने के लिए और ज्ञान परंपरा बनने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, और उसके लिए जो श्रम नियोजन है उसको व्यवहार संज्ञा है। दर्शन, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है, है ना। तो मानव में दृष्टि होती है और दृष्टि से जो समझ, अवधारणा और अनुभव प्राप्त होता है वही दर्शन है। दृष्टि वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया को दृष्टि संज्ञा है। तो मानव में दृष्टि के द्वारा दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है? दृश्य का दर्शन होता है। तो दृश्य के रूप में क्या है? सहअस्तित्व दृश्य है, यानी जो कुछ भी हमारे सामने अस्तित्व है वो दृश्य है। और देखने वाला कौन है? दर्शक कौन है? मानव दर्शक है। मानव में जीवन दर्शक है और जीवन में दृष्टि है। तो दृष्टि के द्वारा दृश्य का दर्शन होता है। विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब क्या है? परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा है। परिभाषा अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त समूह की प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत हैं, है ना। व्यापक मतलब जो सर्व देश काल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है। इकाई छह ओर से, यानी सभी ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है, ठीक है। अनंत संख्या में अग्राह्य, अग्राह्य मतलब उसमें उसमें कैप्चर नहीं की जा सकती। संख्या में अग्राह्य क्रिया की अनंत संज्ञा है, जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती, यही अनंत है। जैसे हम ऊपर देखें आकाश में कितने तारे हैं, तो ये देखेंगे कि कितना भी गिनती करो उसके बाद में और गिनती की संख्या बनी हुई है। तो मानव उसको गिनने में असमर्थ है और फिर उसमें एक समय में आने के बाद में उसको लगता है कि इससे ज्यादा गिनने की हमारी आवश्यकता नहीं है, हम क्यों गिने जा रहे हैं, तो उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत जो है, जिसको एक तो किसी संख्या से आप कितनी भी संख्या लगाओ और संख्या की आवश्यकता पड़ती है, उसको अनंत कहा है। और जिसको मानव गिनने में असमर्थ है और जिसको मानव को गिनने की आवश्यकता भी नहीं बनती, ये अनंत की परिभाषा है ना? तो अनंत की परिभाषा अभी तक जो मानव को नहीं मिली थी वो अनंत की परिभाषा यहां पर मिली है। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व है, ठीक है। तो ये जो व्यापक सत्ता जो है, जागृत मानव भी व्यापक सत्ता में संपृक्त है और वो अनुभव मूलक विधि से उसका सारा क्रियाएं जो है वो कार्य होती है, क्रियारत होती है। तो व्यापक सत्ता को ज्ञान भी कहा है। तो उस अर्थ में मानव का सभी कार्य व्यवहार, विचार और अनुभव और आचरण जो है वो ज्ञान मूलक हो जाता है। तो उस अर्थ में यहाँ पे बात की गई है कि व्यापक सत्ता कार्य व्यवहार काल में उसको नियम के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, आचरण में न्याय के रूप में प्राप्त है। काल, काल या समय क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है, है ना। तो काल अपने आप में कोई इकाई नहीं है, मतलब ये एक संख्या है, एक ड्यूरेशन है। कोई भी क्रिया, जैसे सूरज का धरती की ओर, धरती के चारों तरफ नहीं,
धरती का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, है ना, और एक धरती का अपनी धुरी पर घूम जाना ये अपने आप में एक क्रिया है, तो उसकी अवधि जो है वो हम कहते हैं ये एक दिन है, उस दिन के 24 घंटे हमने डिवाइड कर दिए, 24 घंटे में से हर घंटे में से 60 मिनट, फिर 60 मिनट में से हर मिनट के 60 सेकंड, इस तरीके से हम अवधि को पहचाने हैं। तो मूल में उसके क्रिया है धरती का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना और अपनी अपनी धुरी के धुरी पर घूर्णन करना। नियम आचरण और क्रिया के नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। तो कोई भी क्रिया है, कोई भी आचरण या क्रिया है, तो उसके उसका बैकग्राउंड जो है वो किसी नियम पर आधारित ही होता है। तो कोई भी क्रिया जो है वो नियम पर आधारित होती है और वो नियम व्यापक सत्ता के रूप में ही प्राप्त रहता है। समाधान क्यों और कैसे की पूर्ति या उत्तर ही समाधान है। आनंद सहस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। न्याय परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्ण स्वभाव न्याय धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा पुत्रेषणा एवं लोकेषणा लोकेषणात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। इनका हम आगे और डिटेल में परिभाषाओं को देखेंगे। तो बेसिकली धीरता वीरता और उदारता मानवीय स्वभाव है, दया कृपा और करुणा अति मानवीय स्वभाव है, जो कि अति मानवीय मतलब जो मानव को मानव बनने की योग्य शिक्षा दे सके उसको अति मानवीय कहते हैं, है ना, और जो मानवीय व्यवहार है उसको धीरता वीरता उदारता, इनकी परिभाषाएं हम आगे देखेंगे। न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि और वित्तेषणा पुत्रेषणा और लोकेषणात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार। वित्तेषणा जो है वो समृद्धि की कामना, है ना, धन बल कामना। पुत्रेषणा मतलब जन बल कामना, है ना, और लोकेषणा मतलब यश बल कामना। तो ये जो है ये मानवीय कामनाएं हैं और इनके आधार पर ही सामाजिकता होती है। तो इनका अभी जो है भ्रमित स्थिति में वित्तेषणा जो है वो संग्रह के रूप में धन को इकट्ठा करने के रूप में है और पुत्रेषणा जो है वो यौन दुराचार के रूप में है, ना कि परिवार में किस प्रकार से एक गठन हो जो कि व्यवस्था के अर्थ में हो, उस रूप में पुत्रेषणा नहीं है, जबकि मानवीय रूप में पुत्रेषणा एक सार्थक स्वरूप में समझ में आती है। लोकेषणा जो है वो किसी भी चीज के लिए यश को बनाने के लिए अभी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर लोकेषणा जो है सार्थक कार्यों के लिए अपना यश हो इसकी कामना जो है उस रूप में लोकेषणा को पहचाना गया है। अस्तित्व में से के लिए जानने मानने और अनुभव करने के प्रयास अध्ययन मानव करता रहा है और करता रहेगा। तो मानव जो है हमेशा से ही अस्तित्व में से के लिए, मतलब अस्तित्व में अस्तित्व से और अस्तित्व के लिए मानव उसमें हमेशा से ही जानने पहचानने का प्रयास करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। सफल हुआ या असफल हुआ इसका अपने को मूल्यांकन करना है। यहाँ पर जो सत्यापन है कि अस्तित्व को जानने पहचानने और अनुभव करने का प्रयास जो है वो सफल हो गया है, इस बात का सत्यापन बाबा जी ने किया है जो अध्ययन के लिए हमारे लिए प्रस्तुत है। ज्ञान को अनुभव काल में आनंद सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सभी का खत्म करेंगे। तो ज्ञान को अनुभव काल में आनंद सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सत्य। ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश। सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक। चैतन्य के साथ चेतना। आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा।
प्रत्येक वस्तु सत्ता में संप्रक्त संक्रिय होने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। सहस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सहस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। तो सहस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। तो ज्ञान अपने स्वरूप में व्यापक सत्ता है, पर सहस्तित्व में अनुभव पूर्वक ही उस ज्ञान का उद्घाटन होता है, यानी उस ज्ञान को व्यक्त किया जाता है। तो ज्ञानी के बिना ज्ञान की पहचान नहीं हो रही है। सहस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। तो अध्ययन किस लिए? ताकि सहस्तित्व में अनुभव किया जा सके। और ज्ञान ही फिर प्रमाण के रूप में विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है। तो ज्ञान जो अनुभव के रूप में रहता है, वही विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। तो ज्ञान जो है अपने आप में व्यापक सत्ता है, इसलिए वो स्वयं क्रिया न करते हुए और क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। और अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति को भी ज्ञान कहा है, है ना। तो ज्ञान जो है ज्ञान जागृत मानव में सभी सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है, तथा ज्ञान स्वयं क्रिया ना करते हुए अथवा क्रिया ना होते हुए समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं। इसमें अवस्थित होने से लिए क्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। सर्व शुभ हो। तो ज्ञान जो है वो व्यापक सत्ता है। इसके बारे में एक बार बाबा जी के साथ में चर्चा होते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी भेजूंगा। उसमें ये था कि मानव जब अध्ययन करके जब अनुभव की स्थिति में पाता है, तो ये उसको ये ज्ञान और व्यापक वस्तु दोनों एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये उसको स्पष्ट हो जाता है, है ना। तो उस दोनों में कोई एक भेद नहीं है, वही अनुभव का बिंदु है। ये वाली बात इन्होंने इस बात को रखा था। तो हम लोग अभी रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि समय थोड़ा ऊपर हो गया है। तो हम आफ्टरनून में साढ़े डे टू और सेशन टू में आपका स्वागत है। एक मिनट हम लोग और रुकेंगे ताकि कुछ लोग और ज्वाइन हो जाएं, अगर ज्वाइन होना चाहें तो। तो हम लोग पहले कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं उससे शुरू करेंगे, फिर आगे हम लोग जो अध्याय दो का पठन आगे शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भ्रमित मानव और पशु में क्या अंतर है, है ना। तो पहले इन दोनों में समानता क्या है इसको देख लेते हैं कि भ्रमित मानव और पशु में समानता क्या है, फिर उसके बाद में इनके अंतर को देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोनों, भ्रमित मानव और पशु, ये दोनों भ्रांत पद में हैं और जीव चेतना में हैं। जो चेतना के स्तरों को पहचाना गया है, दोनों का चेतना का स्तर वही है, दोनों का कॉन्शियसनेस लेवल एक ही है।
मतलब दोनों ही शरीर को जीवन माने हुए हैं, है ना। दोनों ही अपने आप अपनी सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन जो है वो बॉडी से ही हो रखा है, दोनों अपने शरीर को ही जीवन माने हुए हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जीव में जो है भ्रम की पीड़ा नहीं है, है ना, यानी भ्रमित होते हुए भी उसमें भ्रम की पीड़ा नहीं है, जबकि भ्रमित मानव में भ्रमित होते हुए भ्रम की पीड़ा भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि जीव जो है वो भ्रमित होते हुए भी दुखी नहीं है, और मानव भ्रमित होते हुए दुखी भी है, समस्याग्रस्त भी है। जीवों को कोई समस्या नहीं है जीव होने में। तो मानव भ्रमित मानव में भ्रम की पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास भी इसीलिए दिखाई देता है, चाहे वो असफल ही प्रयास क्यों ना हो, है ना। जबकि जीव में कोई भ्रम से पीड़ा के लिए प्रयास कर रहे हो ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं देता। और ये प्रयास किस रूप में है, ये प्रयास, ये इसका एक और अंतर है कि इसका और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, इसी के चलते उसमें भ्रम से मुक्ति और भ्रम की पीड़ा से मुक्ति के लिए उसमें प्रयास होना पाया जाता है, ठीक है। जबकि जीव में इस प्रकार का कोई प्रयास देखा नहीं जाता, उसमें वंशानुषंगीयता विधि से जीने की ही बात रहती है। जीवों में और भ्रमित मानव में जो अंतर की हम बात कर रहे हैं, जीवों में विषयों में रत रहते हैं, है ना, और संवेदनाएं विषयों के लिए काम करती रहती है, और भ्रमित मानव में क्या होता है, संवेदना को राजी रखने के लिए विषयों का उपयोग रहता है, है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो जीवों में विषयों में रत रहता है, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन क्रियाओं में वो जीव जो है उनके साथ शरीर से पूरा आइडेंटिफाई होके उन्हीं क्रियाओं को करते रहते हैं, है ना। तो उसमें अलग से संवेदना का डिस्टिंक्शन नहीं होता, जबकि मानव में संवेदना और विषय का डिस्टिंक्शन होता है। तो संवेदना ऊपर हो जाती है, तो संवेदना को राजी रखने के लिए फिर विषयों का प्रयोग होता है। तो इसी कारण से क्या है, संवेदना का अन्वेषण करने के लिए अलग अलग तरीके से संवेदना को राजी रखने का प्रयास है, इसलिए उसमें जीने का तरीका बदलता गया है। जबकि जानवर में जीने का तरीका जो है वो वैसे का वैसा हुआ है। एक बार रविश भाई ने बोला इसको रिपीट करें, तो मैं इसको बोल देता हूं। हमारा प्रश्न था कि भ्रमित मानव और पशु में क्या अंतर है, है ना। तो हमने पहले बात की कि इन दोनों में समानता को देख लेते हैं। तो समानता जो है दोनों ही जीव चेतना में है, दोनों ही भ्रांत पद में है, है ना। जिन प्लेन्स को आइडेंटिफाई किया है दर्शन में, उसमें है ना तीन पदों को या तीन प्लेन्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला प्राण पद है जिसमें जड़ प्रकृति है, फिर उसके बाद भ्रांत पद है, और फिर उसके बाद में देव पद है, और अंत में दिव्य पद या पद मुक्ति है। तो भ्रांत पद या में जीव जानवर और भ्रमित मानव, ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चेतना का स्तर जो है वो दोनों का एक ही है, दोनों ही जीव शरीर को जीवन माने हुए हैं और भ्रांत पद में हैं, ठीक है। अब इनमें अंतर की बात होती है कि जीव में भ्रम की पीड़ा नहीं है, है ना, मतलब अपने भ्रमित होने की पीड़ा जीव में नहीं है, जबकि भ्रमित मानव में अपने भ्रमित होने की वजह से समस्याग्रस्त है और समस्या की पीड़ा उसको होती है, और पीड़ा होती है तो पीड़ा से मुक्ति का प्रयास भी होता है। तो भ्रमित मानव में भ्रम की पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास भी होता है, चाहे वो असफल प्रयास ही क्यों ना हो। और ये प्रयास किस विधि से होता है, ये प्रयास होता है उनमें कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के प्रयोग से। और चौथा बिंदु है कि जीवों और मानवों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चेतना का स्तर वो ही रहते हुए जीव जो है वो विषयों में रत रहते हैं, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शरीर से आइडेंटिफाई होके इन्हीं क्रियाओं को करते रहते हैं, है ना। जैसे आप कुत्ते को देखें, गाय को देखें, ये सब ये पूरी तरीके से वंश से अपने आइडेंटिफाई होके उन्हीं क्रियाओं को करते रहते हैं। तो जीवन अपनी जो फैकल्टीज हैं
उनका उपयोग नहीं कर रहा है, केवल आशा मन जीव जीने की आशा का ही प्रयोग हो रहा है। तो जीवन शक्तियां जो हैं केवल उसी के लिए प्रयोग हो रही हैं, ठीक है। जबकि मानव में क्या है, उससे अधिक विषयों से अधिक संवेदना उसके ऊपर आ जाती है। तो जीवों में विषय जीवों में भी संवेदनाएं होती हैं, लेकिन वो संवेदनाएं जो हैं वो विषयों के अर्थ में काम करते रहती हैं, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, संवेदना ऊपर हो जाती, संवेदना प्राइमरी हो जाती है, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था का है, सुख धर्मी है, तो वो संवेदना में सुख खोजने का प्रयास करता रहता है। तो संवेदना में सुख खोजने के लिए क्या क्रिया करता है, उसको करने के लिए क्रिया अभी आती विषय ही है, यानी आहार निद्रा भय मैथुन, यही क्रियाएं आती है, क्योंकि इनके अलावा और कोई उसके पास में इमुलेशन का कोई या अनुकरण का कोई मॉडल ही नहीं है। तो इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वो संवेदनाओं में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और क्योंकि एक तरीका उसमें फिर असफल होता है तो फिर दूसरे को अपनाने लगता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो मानव में संवेदना में सुख खोजने के या संवेदना को डिनाई करके या उसको नकार करके सुख पाने का प्रयास के दो तरीके मेनली बन गए, एक आदर्शवादी विधि से बना और एक भौतिकवादी विधि से बना। भौतिकवादी विधि में ऐसा बना कि संवेदना को खूब राजी रखा जाए, इनको हमेशा मतलब इनके फीडिंग के लिए तरीका बना रहे। और दूसरा आदर्शवादी विधि में क्या है कि संवेदना में सुख नहीं है, यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है, तो अपने को संवेदना को ही मतलब समाप्त कर देना है, किसी प्रकार से इसके प्रति तटस्थ हो जाना है। तो ये दो तरीके बेसिकली बने और उनके आधार पर जीने के जो डिजाइन बने उसमें एक तरीका ले गया सुविधा संग्रह की तरफ। तो भौतिकवादी विधि से सुविधा संग्रह विधि में संवेदनाओं को राजी बनाए रखने का प्रयास हुआ और संवेदना के प्रति तटस्थ बनने का जो प्रयास बना वो आदर्शवादी विधि में बना, जिसमें इस प्रकार की बात रही कि भक्ति और विरक्ति के द्वारा संवेदनाओं के प्रति हम तटस्थ होंगे। तो इस प्रकार से ये मानव का इतिहास बना। तो संवेदनाओं की प्राइमेसी जो है ये जीवों और भ्रमित मानव में बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस वाले प्रश्न का उत्तर को रोकते हैं। अगला एक चीज का मैं थोड़ा सा ध्यानाकर्षण कराना चाह रहा था कि मानव व्यवहार किसको कहते हैं। तो ये हम जो मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं तो मूलतः इसमें जो बाबा जी की प्रस्तुति है उसमें मानव में भ्रम, जागृति और जागृति पूर्णता की पहचान, ये तीन चीजें उनमें हुई हैं, है ना। तो मानव का अध्ययन करते हुए भ्रम, जागृति और जागृति पूर्णता, तो मूलतः क्रिया पूर्णता जो है वो भ्रम से जागृति का संक्रमण है और जागृति से जागृति पूर्णता का जो संक्रमण है वो आचरण पूर्णता है। तो इन तीन स्थितियों की पहचान की गई है, भ्रम, जागृति और जागृति पूर्णता। अब जब मानव का अध्ययन करते हैं तो भ्रम जो है वो अध्ययन की वस्तु नहीं बन पाता, क्योंकि भ्रम में जो है मानव का व्यवहार जो है वो अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित व्यवहार का कोई अध्ययन संभव नहीं है, तो बेसिकली जागृति ही उस तरीके से अध्ययन की वस्तु बन पाती है और जागृति पूर्णता ही व्यवस्था का स्वरूप का रेफरेंस बन पाता है। तो इसेंशियली अगर देखें बाबा जी ने जो मेन उनका जो प्रेजेंटेशन है, जो क्रक्स पॉइंट है, वो है जागृति के स्वरूप का अध्ययन। जागृति का रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो उसके रेफरेंस से आप फिर भ्रम की भी समीक्षा कर पाते हैं। अगर आपके पास में जागृति का रेफरेंस नहीं है तो फिर आप भ्रम को भी आप कह नहीं सकते कि ये भ्रमित है। भ्रमित को तभी कह पाएंगे जब जागृत होते हैं। तो इस प्रकार से मानव का जो व्यवहार है उसके कॉज एंड इफेक्ट को आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपका एक निश्चित स्वरूप होगा। तो अनुभव मूलक विधि से मानव का जब व्यवहार निश्चित हो जाता है तब उस स्थिति में हम कह पाते हैं कि मानव का अध्ययन हुआ। उस स्थिति से के तुलना में आप ये कह पाते हैं इससे पहले की स्थिति भ्रम थी जिसमें व्यवहार अनिश्चित था। अनिश्चित व्यवहार अध्ययन की वस्तु नहीं बनता,
निश्चित व्यवहारी अध्ययन की वस्तु बनता है। जैसे एक किलो का बाट को आप लेते हैं, वो आपका रेफरेंस बनता है। अब उससे आप तुलना कर सकते हो कि ये 500 ग्राम है, ये 700 ग्राम है। लेकिन अगर आपके पास में कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है, तो फिर आपके पास में किसी चीज का कोई मूल्यांकन करने का आधार नहीं होगा। तो मानव व्यवहार दर्शन में हमने शुरू में एक वाक्य पढ़ा था, जिसमें बाबा जी ने अपने संदेश में इस प्रकार से कहा है कि सब स्वयं का मूल्यांकन कर लो, ताकि दुखी और प्रताड़ित नहीं होगे। तो मूल्यांकन करने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए भी, किसके आधार पर हम अपना, हमारा बेंचमार्क क्या है, किसके आधार पर हम अपने आप को देखें, मूल्यांकन करें। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बात को इसे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये एक बात पे ध्यान आकर्षण कराना था कि मानव व्यवहार दर्शन जो है वो बेसिकली जागृत मानव के व्यवहार का स्वरूप का आचरण के आधार पर जो है मानवीय व्यवहार के स्वरूप का बात किया गया है। उस आधार पर हम जो भ्रमित है वो उसके लिए एक रेफरेंस बनता है अनुकरण के लिए। अगला जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन जो आया था वो है, ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो इसको कोशिश करता हूं। तो देखिए, अभी जो हमें परस्परता में, मतलब इकाइयों के बीच में जो खाली स्थली जो दिखाई देती है, वो उसको हमने अध्ययन में कहा है यही व्यापक वस्तु है ना। तो यानी व्यापक वस्तु है, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये केवल खाली चीज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप नहीं कह पाओगे ये कुछ है, है ना। ये कुछ है तो ये क्या चीज है ना, ये एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्पेस है जो इकाइयों के बीच में है, आपके हमारे बीच में है, हर चीज के बीच में है, और चीज को भी अगर किसी वस्तु को भी अपन तोड़े तो भी उसके बीच में वो मिलता है, और हर चीज में उसमें डूबी भीगी घिरी है, इस पर हमारा ध्यान आकर्षण होता है। तो ये वस्तु अपने आप में क्या है ना, तो इसकी ओर ध्यान आकर्षण कराया गया है। तो इसमें कहा कि अगर हमको इसकी वस्तु की क्वालिटीज बतानी होगी तो क्या इसकी क्वालिटीज होंगी, तो तीन क्वालिटीज इसके बारे में बताई गई कि पहला तो ये पारगामी है, मतलब ये आर पार गुजर जा रहा है, हर एक वस्तु में से आर पार हो जा रहा है। दूसरा ये पारदर्शी है ना, यानी इकाइयों के बीच में, मतलब ये परस्पर पहचान होने में ये कोई बाधा नहीं कर रहा है, इस रूप में है। और तीसरा ये व्यापक है, मतलब ये हर एक स्थान के ऊपर व्याप्त है। अब इसके साथ में हमको ये भी पता लगता है कि इसका डिस्टिंक्शन अगर देखा जाए तो ये प्रकृति की वस्तुओं से इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको भेद कर सकते हैं, जैसे जो पदार्थ है और जो पदार्थ नहीं है, जो ये खाली स्थली है। तो इस तरीके से पदार्थ जो है वो मूर्त है, मूर्त मतलब किसी इसका फिजिकल फॉर्म है, जबकि ये इसका ये अमूर्त है, यानी इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो इसी को उसको दूसरे शब्दों में देखें तो जो कुछ भी पदार्थ हमको मिल रहा है वो रूपात्मक है, जबकि व्यापक सत्ता अरूपात्मक है, अमूर्त है। और यहाँ मूल जो प्रतिपादन है कि ये जो रूपात्मक और अरूपात्मक जो है इनका सह अस्तित्व है। इसके साथ में ये बताया गया कि ये जो वस्तु है, जो अरूपात्मक रूप में जो वस्तु है, इसका स्वरूप क्या है, तो ये वस्तु के रूप में क्या है। तो उन्होंने कहा कि वस्तु के रूप में ये तीन रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। पहला तो ये ऊर्जा है, दूसरा चेतना है, तीसरा ज्ञान है ना। तो जड़ भौतिक रासायनिक वस्तुओं में जो एक ये जो क्रियाशील है, ये कैसे क्रियाशील है, इनकी ऊर्जा कहाँ से, रूप क्यों नहीं जाता, परमाणु की जो अंश घूमते जा रहे हैं ये किसी एक बिंदु पर आकर रूप क्यों नहीं जाते, इनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो उसमें ये कहा कि इसके अंदर कोई इसका अगर एनर्जी का स्रोत क्या परमाणु में अपने आप में निहित है या फिर उसका स्रोत किसी और जगह है। तो इसमें इस प्रकार से कहा कि सत्ता जो है व्यापक सत्ता में डूबे भीगे घिरे होने से इसको ऊर्जा हमेशा प्राप्त है। तो व्यापक रूप में जो खाली स्थली है वो अपने स्वरूप में ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है सभी परमाणुओं को मूल रूप में प्राप्त है, परमाणु अंशों को भी प्राप्त है, जिस
ऊर्जा को प्राप्त होने से ये क्रियाशील है। ठीक है, उसी प्रकार से जो चैतन्य इकाई है यानी जीवन है उसको ये चेतना के रूप में प्राप्त है, है ना। यानी कि जो ये, क्योंकि ये हर एक स्थान के ऊपर ये चेतना को व्यक्त कर रहा है, तो इस प्रकार से ये व्यापक सत्ता जो है वो ही चेतना है, इस रूप में प्राप्त है। तीसरी बात है ज्ञान। ये चीज जो है ये मानव को होता है, ये वाली जो बात है, जो मानव को जब ये व्यवस्था के रूप में समझ में आता है, जब सब कुछ सारा कुछ प्रकृति जो है वो एक व्यवस्था के रूप में समझ में आता है, ये होने के बाद में इस स्थिति को बोलते हैं तदाकार होना। मतलब सारा कुछ, सारा प्रकृति, सारी प्रकृति एक व्यवस्था के रूप में जब स्वीकार होती है, ऐसा होने पर व्यापक वस्तु ही ज्ञान है ऐसा, और व्यापक वस्तु और ज्ञान में भेद समाप्त हो जाता है जिस व्यक्ति को अनुभव हो रहा है उसके लिए। तो ज्ञान और व्यापक वस्तु एक ही है, ये चीज अनुभव में आती है। तो जो ये सेंटेंस है, ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है, ये अनुभव मूलक विधि से कहना बनता है, है ना। तो ये इस प्रकार से है। उससे पहले ये सूचना रहता है। कब तक सूचना रहता है? जब तक अस्तित्व व्यवस्था के रूप में, जब तक प्रकृति जो है व्यवस्था के रूप में बोध नहीं होता है, तब तक ज्ञान जो है व्यापक सत्ता के रूप में हमको ये सूचना ही रहता है। और उसके बाद में सूचना से जब ये वास्तविकता के रूप में हमको अनुभव में ही आता है कि ये ज्ञान जो है और व्यापक सत्ता एक ही चीज है, तो तदाकार विधि से हम अध्ययन करते हैं, फलस्वरूप तद्रूपता में स्वयं को पाते हैं। ये एक वाक्य कहा, फिर से बोलता हूं इसको। तदाकार विधि से हम अध्ययन करते हैं जिसके फलस्वरूप तद्रूपता में स्वयं को पाते हैं। तो तद्रूपता क्या है? व्यापक वस्तु में होना। तो व्यापक वस्तु में होने को तद्रूपता कहा है। आगे मैं इसके ऊपर एक बाबा जी के साथ में संवाद है, वो मैं आपको इस पे अपने इस एक लिंक के ऊपर भेजूंगा। बहुत सारे इसमें प्रश्न आ रहे हैं, बट मैं अभी इमीडिएटली ले नहीं रहा पाऊंगा, क्योंकि इनको पढ़ने में समय लगेगा मुझे, है ना। तो आप अगर